चिकित्सा की हमारे अपने भारत देश की जो अवधारणा है और हमारे देश में चिकित्सा से पहले का जो स्वस्थ जीवन है, उस संदर्भ में कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपसे करता हूं और साथ में दूसरे देशों में जो चिकित्सा की अवधारणा है और दूसरे देशों में जो स्वस्थ जीवन का संकल्प है, कल्पना है, उस पर भी थोड़ी बात करूंगा। साथ में थोड़ा सा तुलना अगर हम कर सकें, कंपैरिजन कर सकें तो थोड़ा बेहतर समझ में आए, इस दृष्टि से कुछ बात करूंगा। भारत देश जिसमें ये प्राकृतिक चिकित्सा या आयुर्वेद द्वारा हमें दी गई जीवन शैली, ये सच में बहुत अद्भुत है। ये वाक्य मैं तब कह रहा हूं जब दूसरे कई देशों में मैं जा चुका हूं और वहां से उत्पन्न एलोपैथी पर भी काफी अभ्यास कर चुका हूं। पिछले 10-12 वर्षों के मेरे अपने सार्वजनिक जीवन में मैंने यूरोप के कई देशों का प्रवास किया और वहां मैंने ये देखा कि जो चिकित्सा पद्धति उनकी है वो शायद उनकी मजबूरी की देन, उनकी कुछ मजबूरियां हैं, उनकी कुछ सीमाएं हैं। वो सीमा और मजबूरी शायद उनको यही दे सकती थी, इससे ज्यादा कुछ संभव नहीं। तो वैसा कुछ उनके यहां है। भारत की जो चिकित्सा पद्धति है और जो जीवन शैली है, ये किसी मजबूरी की देन नहीं है। ये हमने स्वयं से काफी कुछ सीख कर, परंपरा से, सातत्य से बहुत कुछ सीख कर, बहुत सोच विचार कर, उसके सभी पक्ष समझ कर तय की। यूरोप में ऐसा नहीं हो सका और उसका कारण क्या है? 2-3 छोटी बातें हैं जो तुरंत ध्यान में आती है। जैसे ही हम भारत से यूरोप जाते हैं तो सबसे पहले ध्यान में आता है कि हमारा जो मौसम है, हमारी जो जलवायु है, वो हमसे बहुत भिन्न है। यूरोप के किसी भी देश में आप चले जाइए, साल में 8 महीने सूर्य नहीं निकलता, साल में 8 महीने सूर्य नहीं निकलता। जरा कल्पना करिए कि कितनी गंभीर बात है। हमारे भारत देश में साल में कुछ 10-12 दिन ऐसे होते हैं जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, ठंड ज्यादा बढ़ जाती है तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास की जिंदगी रुक जाती है। आप कई बार अखबार पढ़ते होंगे तो आपको ये सुनने में मिलता होगा कि आज सभी फ्लाइट कैंसिल हो गई क्योंकि धुंध बहुत है, धुआं बहुत है, कोहरा बहुत है, तो दिल्ली के हवाई अड्डे से कोई हवाई जहाज उड़ नहीं सकता और दिल्ली के हवाई अड्डे पर कोई जहाज उतर भी नहीं सकता। फिर कभी खबर आती है कि गाड़ियां 12 घंटे लेट चल रही हैं, 15 घंटे लेट चल रही हैं, क्योंकि दिल्ली से आने वाली सभी गाड़ियों के सामने इतना धुंध और कोहरा है कि 1 मीटर दूर का उनको दिखाई नहीं दे रहा है। फिर कभी कभी खबर आती है कि दिल्ली के सभी विद्यालयों की छुट्टी कर दी गई है, 5 दिन तक स्कूल नहीं खुलेंगे, कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, क्योंकि बच्चों को सड़क पर चलने में दिखाई नहीं दे रहा है, कोहरा इतना ज्यादा हो गया। हम देखते हैं कि ये 10-12 दिन का समय आता है और सारे देश में उथल पुथल मच जाती है। बहुत सारे हवाई यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पड़ते हैं, बहुत सारे हवाई जहाज रीशेड्यूल हो जाते हैं, ट्रेनें 10-12 घंटे लेट होने के कारण कैंसिल कर दी जाती है, बसों से चलना मुश्किल हो जाता है, लोग घरों में दुबक कर बैठ जाते हैं दिल्ली में, या तो हीटर के सामने बैठे होते हैं या लकड़ी जलाकर बैठे होते हैं। ये मात्र 10-15 दिन भारत में ऐसा आता है तो पूरे देश में इसका हंगामा सा हो जाता है। आप जरा कल्पना करिए कि जिन देशों में ये लगातार 8 महीने चलता होगा उनका क्या हाल होता है। लगातार 8 महीने, ऐसे यूरोप के कई देश हैं, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, बेल्जियम है, फिनलैंड में चले जाइए तो 10 महीने सूरज नहीं निकलता, मात्र 2 महीने होते हैं जो सूरज का हल्का सा प्रकाश दिखता है, पूरा सूर्य तो उनको साल में 10-12 दिन भी नहीं दिखाई देता। तो इन देशों की जरा हम कल्पना करें कि इनका जीवन कितना कष्टमय होता होगा और जब तापमान उनके यहाँ नीचे गिरना शुरू होता है तो वो अंतिम सीमा तक चला जाता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड।
-30, -35, -40, -45 अभी थोड़े दिन पहले फिनलैंड का टेम्परेचर -47 पहुंच गया। आप सभी जानते हैं शून्य डिग्री पर बर्फ जम जाती है, 4 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में बर्फ जमना शुरू हो जाती है। अब 0 से 40 डिग्री नीचे तापमान चला जाए, 45 डिग्री चला जाए, जरा सोचिए कि कैसी तकलीफ की जिंदगी होगी। मैं आपके ध्यान में जो बात लाना चाहता हूं वो ये कि ये यूरोप के सभी देश बहुत गरीब हैं सूर्य के प्रकाश के, ये माने उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, महीनों महीनों नहीं मिलता, या तो धुंध रहती है या तो भयंकर बर्फ गिरती है। यूरोप के देशों में एक मजाक कही करी जाती है और वो सही है कि हमारे यहाँ तो दो ही मौसम होते हैं, ठंड होती है या भयंकर ठंड होती है, तीसरा कोई मौसम नहीं है उनके पास, या तो ठंड है या तो भयंकर ठंड। यूरोप का ही एक्सटेंशन है अमेरिका और यूरोप का ही एक्सटेंशन है कनाडा, कनाडा का मौसम भी ऐसा ही है, लगभग अमेरिका का मौसम भी उसी के जैसा है। तो ऐसा मौसम जहां भयंकर ठंडी पड़ती हो, सूर्य नहीं निकलता हो, सालों साल सूर्य के दर्शन ना हो पाते हो, और ये एक दो साल से नहीं सैकड़ों साल से चल रहा हो, हजारों साल से चल रहा हो, तो उनकी जो जीवन शैली होगी वो उसी के जैसी बनानी पड़ेगी। जैसी प्रकृति है वैसी जीवन शैली हो, उनकी प्रकृति है कि बहुत ठंड है और भयंकर ठंड है तो उसी में उनको जिंदा रहना, तो अपने को जिंदा रखने के लिए वो जो कुछ भी करेंगे वो सब कुछ उनके लिए साइंटिफिक होगा या हो सकता है। अब अगर हम हिंदुस्तानी उनकी नकल करना शुरू कर दें जहां साल में हर दिन सूरज निकलता है, 12 महीने निकलता है, एवरी डे संडे, सोचिए ना, एवरी डे संडे, संडे का मतलब छुट्टी का दिन नहीं, संडे का मतलब सूर्य का दिन, तो भारत में एवरी डे संडे, एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग से मतलब जिस दिन सूर्य का दर्शन हो जाए वो मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, एवरी नाइट इज गुड नाइट, एवरी आफ्टरनून इज गुड आफ्टरनून, एवरी नून इज गुड नून, इस देश में अद्भुत है। ये सबसे बड़ा अंतर मुझे दिखाई देता है यूरोप में भारत में, और जब मैं यूरोप कहूंगा तो आप ये ध्यान रखना कि उसमें अमेरिका कनाडा भी शामिल है। तो यूरोप में और भारत में सबसे बड़ा अंतर है सूर्य के प्रकाश का। हमें सूर्य का प्रकाश हजारों साल से, लाखों साल से, शायद करोड़ों साल से मिल रहा है, या हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है कि जब से पृथ्वी है तब से सूर्य है, और कई शास्त्रों में ये कहा गया है कि सूर्य के कारण ही सब कुछ है, पृथ्वी भी है, चंद्र भी है, बृहस्पति भी है, शनि भी है, मंगल भी है, और ये सब एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, संतुलित किए हुए हैं, उसका मुख्य कारण सूर्य है। हमारे शास्त्र ये बात बहुत अच्छे तरीके से हमको समझाते हैं कि अगर सूर्य नहीं होता तो कुछ नहीं होता, और अगर सूर्य है तो सब कुछ है। आप जानते हैं कि मिट्टी में हम दाना डाल देते हैं, उस दाने में से अंकुरण होता है, वो सूर्य की कृपा है। अच्छे से अच्छा बीज आप मिट्टी में डाल दीजिए, अच्छे से अच्छी खाद उसमें मिला दीजिए, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो बीज में से कुछ भी अंकुरण नहीं होगा। हम जानते हैं कि अंकुरण होके कोई पौधा जब बड़ा होता है तो वो सूर्य के प्रकाश से ही भोजन लेता है। ये विज्ञान तो हम सबको बचपन में पढ़ाया जाता है कि पौधों के पत्तों में क्लोरोफिल होता है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, उस भोजन में से कुछ अपने लिए रखते हैं, बाकी दुनिया को दे देते हैं। जो दुनिया को वो दे देते हैं वो ऑक्सीजन है, प्राणवायु है, जो अपने लिए रख लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ये होता सब सूर्य के प्रकाश में ही है। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो पौधे भी काम नहीं कर सकते। तो बीज डालना, बीज का अंकुरण होना, अंकुरण में से पौधा बनना, पौधे में से फल बनना, ये भी सूर्य के प्रकाश का ही कमाल है। हम जानते हैं कभी भी फसल अच्छी आ रही है, और अच्छी फसल का मतलब उसमें दाने पड़ रहे हैं, मान लो गेहूं की फसल है
सुरक्षित आगे बढ़ रहे हैं, अचानक से 10-15 दिन सूर्य ना निकले तो पूरी फसल चौपट हो जाती है, ये आप सब जानते हैं। बाजरे की फसल है, मक्के की फसल है, तैयार हो गई है, दाना पड़ना शुरू हुआ है, जो 7-8 दिन सूर्य चला जाए छुट्टी पर तो फिर सब सत्यानाश हो जाए, किसान मर जाते हैं, सरकार भी परेशान। तो सूर्य का हमारे जीवन में इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो जहां सूर्य प्रकाश होगा तो वहां के लोगों की जिंदगी धन धान्य से भरपूर होगी, क्योंकि प्रकृति ने सब कुछ वहां दिया होगा। जमीन में कुछ भी डालेंगे तो कई गुना होकर निकलेगा। हम एक दाना डालेंगे 100 दाने आएंगे, 100 डालेंगे 1000 आएंगे, 1000 डालेंगे 1,00,000 आएंगे। ये प्रकृति हमको जरूरत से ज्यादा देगी, क्योंकि हमारे पास सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में होगा। हमारे जंगलों में चले जाए, हजारों हजारों किस्म के पेड़ पौधे जो दिखाई देते हैं वो भी सूर्य के प्रकाश का ही कमाल है। जो जंगलों को सूर्य का प्रकाश ना मिले तो वेराइटीज नहीं आ सकती, स्पेशीज डेवलप नहीं हो सकती, विविध जाति के पेड़ पौधे हमको नहीं मिल सकते। जंगलों के इतने अच्छे सुंदर सुंदर पेड़ पौधे फल वृक्ष आदि सब कुछ सूर्य के कारण। आप फिर आगे बढ़े, समुद्र के पानी का वाष्प बनना, वाष्प बनकर बादल में बदलना, बादल से फिर पानी में बरसना, ये भी सूर्य का ही प्रताप है। जो सूर्य छुट्टी पर चला जाए तो बारिश समय पर नहीं होगी, बारिश होने के लिए जो मूल क्रिया है वो भी समय से पूरी नहीं होगी। प्रकृति में हवा चलती है तो हम मानते हैं कि तापमान का अंतर है, उस अंतर को काटने के लिए हवा चलती है। तो तापमान का अंतर कहां से आया? वो सूर्य के प्रकाश से आया। तो हवा का चलना, बारिश का होना, गर्मी का पड़ना, ठंड का आना, बसंत का चला जाना या बसंत का आना किसी का, ये ऋतुओं का चक्र और ये फसल का चक्र, ये जो कुछ भी है ये सब सूर्य के प्रताप से है। तो मुझे अपने भारत देश के बारे में और ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि मैं एक ऐसे देश का नागरिक हूं जहां पर सूर्य की भरपूर कृपा है, और शायद यही कृपा है जो भारत जैसी भूमि पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है लेकिन भारत भूमि पर और भी दुर्लभ है। तो भारत भूमि पर देवता भी आते हैं तो मनुष्य रूप में आते हैं, क्योंकि उनको भी ये सब जो अहोभाव है ये सूर्य के ही कारण है। तो ये धरती दुनिया में अद्भुत है जिसको हम भारत कहते हैं, और यहाँ अद्भुत होने का एक ही सबसे बड़ा आधार है, सूर्य का प्रकाश। और यहाँ चूंकि सूर्य का प्रकाश नियमित है, सतत है, हजारों लाखों करोड़ों साल से है, अगले हजारों लाखों करोड़ों साल तक रहेगा, इसलिए हम निश्चिंत हैं कि भारत बहुत अच्छा है। और ये सूर्य के प्रकाश के कारण इस देश में 16 ऋतुएं हैं। दुनिया में किसी भी देश में 2 से ज्यादा ऋतुएं नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, यूरोप में ठंड और भयंकर ठंड, अफ्रीका में गर्मी और भयंकर गर्मी, ब्राजील और इधर चले जाइए मैक्सिको की तरफ तो बारिश और भयंकर बारिश। हाँ, ब्राजील और मैक्सिको में साल में 8 महीने बारिश होती रहती है, टॉरेंशियल रेन, इतनी बारिश होती है कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन, 20-20, 25-25 दिन लगातार बारिश करती है, साल में 8 महीने बारिश, और जो 4 महीने बचते हैं उसमें बारिश की भयंकर नमी। तो वो कहते हैं हमारे पास 2 मौसम है, बारिश और भयंकर बारिश। अफ्रीका में जाइए तो 2 मौसम है, गर्मी और भयंकर गर्मी, यूरोप में चले जाइए तो ठंड और भयंकर ठंड। ये भारत अद्भुत देश है जहां 16 तरह के मौसम है। तकनीकी भाषा में इसको कहते हैं कि भारत दुनिया में यूनिक देश है, अनोखा देश है, जहां 16 क्लाइमेटिक जोन्स है। क्लाइमेटिक जोन्स के नाम से जाना जाता है ऋतुओं को दुनिया। और ये क्लाइमेटिक जोन कैसे हैं? अगर आपको स्विट्जरलैंड का क्लाइमेटिक जोन भारत में देखना हो तो संभव है, जम्मू कश्मीर चले जाइए, हिमाचल में आ जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, आपको स्विट्जरलैंड का क्लाइमेटिक जोन यहां मिल जाएगा। अगर आपको ब्राजील और मेक्सिको का क्लाइमेटिक जोन देखने हो तो भारत में आ जाइए, चेरापुंजी चले जाइए,
बंगाल में चले जाइए, आसाम में आ जाइए, कर्नाटक में आ जाइए। कर्नाटक में एक स्पेशल एरिया है जिसको बल्लार एरिया कहते हैं, वहां आपको ब्राजील और मैक्सिको का क्लाइमेटिक जोन दिखाई देगा। अगर इसको अफ्रीका देखना है किसी को भारत में, अफ्रीका जैसी गर्मी और भयंकर गर्मी देखी है और अफ्रीका का मरुस्थल सहारा वाला क्लाइमेटिक जोन देखते हैं, तो राजस्थान आ जाइए, जैसलमेर चले जाइए, बीकानेर चले जाइए, जोधपुर आ जाइए, बाड़मेर आ जाइए, आपको सहारा रेगिस्तान दिखाई दे जाएगा। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दलदली इलाका देखना है, कीचड़ वाला इलाका, आप जानते हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बहुत मिट्टी ऐसी है जो कीचड़ वाली, तो वो भारत में मिल जाएगा। बिहार में आ जाइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ जाइए, बहुत दलदली इलाका आपको मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी देश का मौसम अगर देखना चाहें तो इस भारत में संभव है। इसलिए दुनिया के सारे जानकार पर्यटक भारत भागने के लिए परेशान रहते हैं। जब भी उनको छुट्टी मिलती है उनके काम से और थोड़ा पैसा हो जाता है तो वो घूमने के लिए सबसे पहले भारत में ही आते हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अगर भारत में अकेला एक राज्य हमें ढूंढना हो कि एक ही राज्य में दुनिया की सब जलवायु देखनी है तो भी संभव, और वो राजस्थान में है। एक अकेले राजस्थान में दुनिया के 16 क्लाइमेटिक जोन से एक साथ उपस्थित है। तो लोग ज्यादातर विदेशों से भागकर जब आते हैं ना भारत में, तो सबसे पहले राजस्थान जाते हैं। ये राजस्थान जाने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। राजस्थान जाने के पीछे ये बड़ा कारण नहीं है कि वहां किले बहुत है, राजस्थान जाने के पीछे कारण है कि एक साथ एक ही राज्य में 16 क्लाइमेटिक जोन्स में मिल जाते हैं जो पूरी दुनिया का भ्रमण करने से भी नहीं देखेंगे, इसलिए वो सब राजस्थान आते हैं। और राजस्थान में से समय बच जाए तो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। और कभी आपने देखा है हमारे देश के लोग थोड़े नाराज होते हैं विदेशियों पर, ये जो भारत में आते हैं तो सब कपड़े उतारे नंग धरंगे पड़े रहते हैं, वो उनकी मजबूरी है बेचारे, कपड़े उतार कर नंग धड़ंग ना पड़े रहे तो वो मर जाएंगे। क्यों? सूर्य की धूप चाहिए, जो उनको महीनों महीनों नसीब नहीं होती उनके देश में। इंग्लैंड में नहीं, फ्रांस में नहीं, जर्मनी में नहीं, स्वीडन में नहीं, स्विट्जरलैंड में नहीं, नॉर्वे में नहीं, डेनमार्क कोई देश में नहीं। तो वहां से जब वो भागकर भारत आते हैं और सूर्य को देखते हैं तो पागलों की तरह से कपड़े उतार कर नंगे होकर कहीं कहीं पड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें सूर्य का प्रकाश चाहिए। हम सब जानते हैं उसी से शरीर भी चलता है, जो सूर्य का प्रकाश ना हो तो शरीर का चलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए वो भारत आके नंगे घूमते रहते हैं, क्योंकि हर समय उनको मुफ्त में सूर्य का प्रकाश मिलता है। और भारत सरकार ने आज तक सूर्य प्रकाश पर टैक्स नहीं लगाया, मदद पर दे रहे हैं। जो इस पर हम टैक्स लगा दें तो इस देश का विदेशी कर्ज चुक जाएगा, इतनी इनकम हमें हो सकती है। मुफ्त में हमने किसी के लिए भी छूट दे रखी जो उनके यहाँ नसीब भी नहीं पता है। तो भारत एक ऐसा देश है। अब यहाँ पर 16 क्लाइमेटिक जोन्स हैं एक साथ, तो हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो अपनी जीवन शैली है, हमारा जो रहन सहन है, खान पान है, वो उसी के हिसाब से बनेगा जैसा हमारा वातावरण और पर्यावरण है। यूरोप में दो ही तरह के मौसम है, मैंने आपसे कहा, या तो ठंड और भयंकर ठंड, तो उनकी जो जीवन शैली होगी, उनका जो रहन सहन होगा, उनका जो खान पान होगा, वो उसी हिसाब से बनेगा जैसा उनका वातावरण। और जो खान पान रहन सहन वातावरण से तय होगा, तो चिकित्सा की पद्धतियां भी वातावरण से ही तय होंगी। अगर उनका वातावरण ठंड और भयंकर ठंड वाला है तो उनको ऐसी ही कोई चिकित्सा पद्धति चाहिए जो उस वातावरण में उनको मदद करे, सूट करे। और हमारे यहाँ जो कि 16 क्लाइमेटिक जोन से 16 जलवायु क्षेत्र है, तो हमारी चिकित्सा पद्धति कुछ ऐसी होगी जो हमको सूट करे। तो सभी देशों की चिकित्सा पद्धतियां या जीवन शैलियां या खान पान के तरीके या रहन सहन के तरीके या आचरण के तरीके भिन्न होंगे, क्योंकि उनका मौसम और जलवायु बिल्कुल भिन्न है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जिन देशों में ठंड और भयंकर ठंड होगी, वहां का क्या पैदा होगा जमीन में जिसको वो खा सके?
मैं पहली बार जब जर्मनी गया तो फ्रैंकफर्ट शहर में एक प्रोफेसर के साथ मेरा संवाद हुआ। उन्होंने मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाया था, तो मैं गया था। तो मैंने उनसे पूछना शुरू किया, क्योंकि मैंने पहली बार जर्मनी देखा था, तो मैंने कहा आपके जर्मनी में क्या होता है? उनका क्या होता है कुछ नहीं। तो मैंने पूछा गन्ना होता है? नहीं होता। केला होता है? नहीं होता। आम होता है? नहीं होता। संतरा होता है? नहीं होता। फिर ऐसे ऐसे मैं पूछना चला गया तो प्रोफेसर परेशान हो गया। उसने कहा आप ज्यादा मत पूछो, एक वाक्य में मैं बता देता हूं, दुनिया में जो भी मीठी चीज है वो जर्मनी में नहीं होती। कहानी खत्म। समझिए कितने गरीब लोग हैं, जरा इनकी गरीबी देखिए। जितनी भी मीठी चीज है दुनिया में वो कोई भी जर्मनी में नहीं होती। केला नहीं होता, संतरा नहीं होता, मौसमी नहीं होते, अंगूर नहीं होता, लीची नहीं होती, पपीता नहीं होता, आम नहीं होता, गन्ना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, मीठी कोई चीज नहीं होती। चलो मैंने कहा अच्छा इस चैप्टर को हम क्लोज करते हैं, दूसरा शुरू करते हैं। मैंने पूछा आपके यहाँ पालक होता? नहीं होता। मेथी होती है? नहीं होती। पत्ता गोभी होता है? नहीं होता। फिर वो फिर बौखला। फिर उसने कहा राजीव भाई अभी आगे मत पूछो, जितने भी हरे पत्ते की चीजें हैं वो हमारे देश में नहीं होती। मैंने कहा भाई फिर होता क्या है तुम्हारे पास? तो उसने कहा दो ही चीजें होती हैं, एक तो आलू होता है और एक प्याज। बात तो हंसी की है लेकिन बहुत गहरी। जिस देश में सिर्फ आलू और प्याज होगा वो देश कितना गरीब होगा सोचे। उनको ले देके खाने के लिए दो ही चीजें हैं, या तो आलू खाओ या प्याज खाओ, या तो प्याज खाओ या तो आलू खाओ, आलू में प्याज मिला के खाओ या प्याज में आलू मिला के खाओ, और क्या विकल्प है उनके पास? एक ही विकल्प है कि दुनिया के कुछ देशों को वो इन्फ्लुएंस करें, इंप्रेस करें और उनसे कुछ खरीदें। भारत उनको आम दे दे, अफ्रीका से पपीता मिल जाए, या कहीं से ब्राजील से गन्ना मिल जाए, या कहीं से कुछ ऐसी कुछ चीजें मिल जाए, यही तो संभव है। अपने आप उनके यहाँ कुछ नहीं होगा। और ये जो जर्मनी की कहानी है ये यूरोप के 23 देशों की कहानी है। आप जर्मनी छोड़ डेनमार्क चले जाइए, उनसे पूछिए तुम्हारे यहाँ क्या होता, तो वो यही कहेंगे आलू होता है प्याज। डेनमार्क से थोड़ा आगे फिनलैंड चले जाइए, उनसे पूछे तो वो कहेंगे हमारे पास सिर्फ आलू होता है, सिर्फ प्याज। तो 23 देश यूरोप में ऐसे हैं जिनके पास आलू और प्याज के अलावा कुछ होता नहीं है। तो उनकी अगर कोई खान पान की शैली बनेगी तो आलू प्याज आधारित ही तो होगी। अगर हम उनकी डिशेज हैं उनकी सूची बनाएंगे तो हर डिश में या तो आलू आएगा तो प्याज आएगी, तीसरी कौन सी चीज आने वाली है? आलू प्याज के ही कॉम्बिनेशन परमोटेशन है जो वो करते रहेंगे अपनी पूरी जिंदगी पर हजारों साल लाखों साल। तो उनके यहां चूंकि कुछ होगा नहीं जमीन में, तो फिर समस्या तो यही है कि खान पान में तो वही दो तीन चीजें होंगी। फिर जर्मनी वालों को पूछो कि यार ये ब्रेड कहां से ले जाते हो? फिर तो आलू और प्याज ही होता है, गेहूं तो होता नहीं तुम्हारे यहां। तो कहते आजकल कुछ एरिया में थोड़ा गेहूं होने लगा है, तो उस गेहूं से क्या बनाते हैं? ब्रेड बनाते हैं, पाव रोटी बनाते हैं, डबल रोटी बनाते हैं। तो रोटी क्यों नहीं बना लेते? ब्रेड बनाना, पाव रोटी बनाना उसी चीज से होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं। गेहूं का आटा है, उसी से ब्रेड बनती है, उसी से डबल रोटी बनती है, उसी से बिस्किट बनता है और उसी से अपने घर में रोटी बनती है। रॉ मटेरियल तो एक ही है। तो मैंने उनसे पूछा तुम रोटी क्यों नहीं बना लेते? तो कहते आप ही नहीं रोटी बना, कैसे बनती है? तो मैंने कहा गेहूं का आटा होता है, उसमें पानी मिलाओ। तो मैं जिस प्रोफेसर से बात करता था उसके घर में रहता था, एक दिन उसको गेहूं का आटा और पानी मिला के गूंद के रोटी बना के मैंने खिलाया। उस दूसरे दिन उसने ट्राई किया तो उसने आलू को आटे में पानी इतना मिला दिया कि वो घोल बन गया। फिर 15 दिन में ट्राई करता रहा, उससे नहीं हुआ। फिर उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा जिसको सुनकर आप सब हंसेंगे, लेकिन इसमें हंसने से ज्यादा सोचने की बात है। उसने कहा यार तुम्हारे देश में ये रोटी बनाने की कितनी फैक्ट्रियां हैं? तो मैंने कहा हमारे देश में रोटी बनाने की फैक्ट्री नहीं है, तो फिर कैसे बनाते हो? तो मैंने कहा वो तो घर घर में बनती है। तो घर घर में कौन बनाता है? मैंने कहा हमारे देश की माताएं और बहनें जानती है। तो कहने का अच्छा बिना मशीन के।
मेरे साथ खाका भी गया था। खाका आप समझते हैं गुजराती डिश है। तो मैं जब भी विदेश जाता हूँ तो खाका लेके जाता हूँ, क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ, उनके किसी होटल में खाता नहीं। और खाका एक ऐसी चीज है जो महीने भर आराम से चल सकती है, खराब होती नहीं। तो मैं खाखरा बना के ले गया, मैंने उसको खाखरा खिलाया। तो तुरंत उसने पूछा कि भारत में खाखरा बनाने की इंडस्ट्री कितने हजार करोड़ की। मैंने कहा ये घर घर में चलती है। फिर उसने कहा इतना गोल खाखरा कैसे बनता है। मैंने कहा बिना मशीन से हाथ से बनता है। तो बोलता है इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, हाईली इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा आ जाओ एक दिन देख लो विदेश का। तो एक दिन वो अपने भरोसे को कन्फर्म करने के लिए भारत आया। मैंने उसको कुछ गुजराती परिवारों में रहने के लिए 10-12 दिन रखा। वो देख के पागल हो गया। यहाँ से जब गया तो कहने लगा अगली बार मैं ईसा मसीह से प्रार्थना करूंगा मेरा जन्म भारत में। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, यूरोप की कुल पॉपुलेशन 27 करोड़ है, उसमें 12 करोड़ महिलाएं हैं। किसी भी महिला को रोटी बनानी नहीं आती, कोई महिला वहां की रोटी बनाना नहीं जानती। और भारत में 110 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 50 करोड़ माताएं हैं। एक भी मां ऐसी नहीं है इस देश में जिसको रोटी बनाना नहीं आता। इस सच्चाई के साथ कि हिंदुस्तान में रोटी बनाने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं चलती, कोई डेवी कॉलेज नहीं चलता, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। माताओं से बेटियों को, बेटियों से फिर उनकी बेटियों को, बेटियों से फिर उनकी बेटियों को, परंपरा के साथ ये ज्ञान हजारों साल से चलता आया है। और रोटी भी इस देश में पता है 153 तरह की बनती है। गुजरात की रोटियां 13-14 तरह की रोटियां आती हैं गुजरात में, महाराष्ट्र की रोटी, पंजाब की, हरियाणा की, किसी भी राज्य में चले जाइए रोटी की अलग अलग तरीके, अलग अलग डिशेस और अलग अलग उनके टेस्ट, अलग अलग उनके स्वाद। ये कैसे संभव है अपने इस देश में और वहां क्यों नहीं संभव है? उसका कारण है वातावरण, प्रकृति और पर्यावरण। हमारी दुनिया के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि फंक्शनल नॉलेज जिस समाज में ज्यादा होती है उन्हीं समाजों में ये सब संभव होता है। फंक्शनल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान जिस समाज में ऊंचा होता है उसी समाज में गेहूं से आज 200 किस्म की रोटियां बना सकते हैं। और जहां फंक्शनल नॉलेज बहुत कम होती है उस समाज में आप गेहूं से ले दो के पाव रोटी बनाते ही खा सकते हैं, इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते। इस भारत देश में फंक्शनल नॉलेज बहुत है और शायद वो हमारे अपने दिमाग और शरीर का और प्रकृति का कोई मेल जोड़ है उसके कारण होगा जो उनके यहां दिखाई नहीं देता है। मैं तो ये सुनकर ताज्जुब पर करता था, फिर मैंने जब देख लिया आंखों से कि यूरोप की कोई भी महिला और अमेरिका की किसी महिला को दूध से दही बनाना नहीं आता, वो दही के नाम पर योगर्ट खाते हैं। योगर्ट दही नहीं होता, दही अलग चीज है, योगर्ट अलग चीज। तो उनके पास और कुछ नहीं है योगर्ट के अलावा। उनको ये समझाओ कि दूध में थोड़ा दही मिला दो गर्म करके तो दही बन जाता है, ये उनकी कल्पना के बाहर की चीज है। और इससे एक कदम आगे बढ़े, यूरोप के किसी परिवार को दही से मट्ठा बनाना नहीं आता। मट्ठे से मक्खन निकालना, मक्खन को गर्म करके घी बनाना कोई नहीं जानता, इसलिए वो क्या करते हैं दूध में से सीधे घी निकालते हैं, जिसको वो बटर ऑयल कहते हैं। वो घी नहीं होता, बटर ऑयल होता। तो दही नहीं होगा, मट्ठा नहीं होगा, भजिया नहीं होगी। और हमारे काम आने वाले जो मसाले हैं, जो वास्तव में औषधियां हैं, वो नहीं होंगे। क्योंकि ये जो मसाले हैं इतनी जात जात के, इतनी तरह तरह के, काली मिर्च है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, ये है वो है, ये सब उन्हीं देशों में होंगे जहां सूर्य का प्रकाश होगा। जहां है ही नहीं सूर्य का प्रकाश वहां ये सब नहीं होंगे। तो और वहां नहीं होंगे तो खाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं तो जीवन शैली में आएगा नहीं, और जीवन शैली में नहीं आएगा तो आने वाली पीढ़ियों में भी नहीं आएगा। आप जानते हैं एक खास तरह की जीवन शैली को हम बिताते हैं, उसी जीवन शैली में से आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान और संस्कार मिलते चले जाते हैं। उनके यहां तो ये होगा नहीं तो खाएंगे पिएंगे नहीं इन सब चीजों को, उनकी जीवन शैली में ये आएगा नहीं,
उनके रसोई में ये आएगा नहीं, तो उनकी रसोई और आपकी रसोई में जमीन आसमान का अंतर होगा। उनकी रसोई कैसी है, सप्ताह में एक दिन जाए कहीं से बड़ा पाव खरीद के लाए, चाकू से काट काट के उसके छोटे पीस करें और आलू और प्याज के साथ खाएं, इसके अलावा और क्या। और आलू और प्याज से सब्जी बनाना भी ना आए तो बाजार से बनी बनाई डिब्बाबंद सब्जी लेके आए और उसको पाव रोटी और डबल रोटी से खाए, तो सब्जी तो तभी लाएंगे जब मिले, मिलेगी तो सप्ताह में कोई एक या दो दिन, रोज मिलेगी नहीं क्योंकि इतनी होती नहीं, दालें होती नहीं, यूरोप में कहीं दाल नहीं होती, अमेरिका में कहीं दाल नहीं होती, तो दाल खाना और दाल की डिश बनाना उनकी कल्पना के बिल्कुल बाहर है। जो भारत दाल बेचना उनको बंद कर दे तो पागल होकर मर जाए। प्रोटीन के लिए उनके पास ले लेके एक ही श्रोत होगा, वो या तो अंडा होगा या तो कुछ मांस होगा। हमारी तरह थोड़ी है कि 10-15 तरह की दाल इस देश के हर गांव में होती है, हर जगह मिलती है। और यूरोप और अमेरिका की सबसे बड़ी जो बेचैनी है और उनकी जो सबसे बड़ी गम नसीबी है, गरीबी है, वो ये कि उनके यहाँ हर क्षेत्र में सब कुछ नहीं होता। कोई एक क्षेत्र में कुछ होगा, कोई दूसरे क्षेत्र में कुछ होगा। यूरोप में मुश्किल से 23 देशों में मात्र 4-5 देश है जहां थोड़ा गेहूं होता है, बाकी देशों में गेहूं भी नहीं होता। तो बेचारे वो क्या करते हैं, गेहूं एक कुनी देशों में, थोड़े से देशों में गेहूं होता है, फिर उस गेहूं को ट्रांसपोर्ट करके दूसरे देशों में भेजते हैं, फिर उनसे आटा बनाते हैं, आटे से पाव रोटी डबल रोटी बनती है, बड़े बड़े ट्रकों में भरकर फिर उन देशों में वापस जाती है। तो ट्रकों का आना जाना 80% तो वहां पाव रोटी के लिए होता। यूरोप की किसी भी बड़ी सड़क पर आप खड़े हो जाइए और गुजरते हुए ट्रकों को गिनना शुरू कर दीजिए सवेरे से शाम तक, तो 80% ट्रक जो गुजर जाएंगे आपकी आंखों के सामने उनमें पाव रोटी और डबल रोटी ही लगी हुई होगी। ट्रांसपोर्टेशन उनका जो मैक्सिमम है वो पाव रोटी और डबल रोटी का है, क्योंकि हर देश में गेहूं नहीं है, हर देश में गेहूं का आटा है। अमेरिका में भी यही हाल है, अमेरिका के कुछ इलाकों में गेहूं बहुत होता है, कुछ इलाकों में बिल्कुल नहीं होता। अमेरिका में गेहूं जहां होता है वहां से भर भर के लाते हैं, बड़े फ्लोर मिल्स में डालते हैं, फिर वहां से आटा भर के ट्रकों में जाता है, डबल रोटी के कारखानों में पहुंचाया जाता है, फिर वहां से पाव रोटी डबल रोटी बनती है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में डाली जाती है, फिर डिपार्टमेंटल स्टोर में ज्यादातर लोग खरीद कर लाते हैं। और सामान्य रूप से कोई डबल रोटी और पाव रोटी 3 महीने के पहले उनको मिलती नहीं खाने के लिए, 3-3 महीने पुरानी होती है। अब 3 महीने पुरानी डबल रोटी पाव रोटी को बचा के रखना है तो उसके लिए उन्हें कोई तो सिस्टम चाहिए, इसलिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम हर जगह हर स्थान पर उनके लिए मजबूरी है। ये उनका स्टेटस सिंबल नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। सब्जी मिलेगी नहीं ताजा क्योंकि होती नहीं है, तो डिब्बाबंद सब्जी आएगी, दूसरे देशों से आएगी, जब आएगी तभी मिलेगी। तो लोगों की मजबूरी है कि हफ्ते हफ्ते भर की सब्जी उठाकर एक साथ लाएं, फ्रीजर में भर के रखें, तो रेफ्रिजरेटर उनके घरों की मजबूरी है, स्टेटस सिंपल नहीं है। और शायद एक फ्रिज में काम न चले तो दो में काम न चले तो 3, क्योंकि हफ्ते भर का सब कुछ इकट्ठा करके रखना। वहां की जिंदगी वीकली है, हमारी डेली है, उनकी वीकली, हफ्ते की जिंदगी एक साथ चलती है। किसी भी अमेरिकन और यूरोपियन परिवार को देखोगे सामान खरीदने जाएगा तो सैटरडे को ही, जब उनका वीकली ऑफ होता है, या संडे को, तो अगले संडे तक का सब कुछ खरीद के लाए। दूध भी 7 दिन का एक साथ खरीद के लाना पड़ता है, इतने गरीब है कि रोज का ताजा दूध भी पीने को नहीं मिलता, रोज का ताजा दूध पीने को नहीं मिलता। जिस दूध के बारे में शास्त्र कहता है कि दूध 1 घंटे के अंदर पी लिया जाना चाहिए, निकालने से 1 घंटे के अंदर पी लिया जाना चाहिए, उस दूध को यूरोप और अमेरिका वाले 7-7 दिन में पी पाते नहीं देख पाते। ये उनकी कुछ मजबूरियां हैं, उनकी कुछ सीमाएं, वो प्रकृति ने उनको दी, उन मजबूरियों और सीमाओं में उनकी जिंदगी चलती है। तो उनकी जिंदगी जैसे चलेगी अगर हम वैसे ही करने लगेंगे तो हम महामूर्ख ही साबित होंगे। उनकी जिंदगी को हम इसलिए का सिंबल मानने लगे कि जी उनके घर में फ्रिज है तो हमारे घर में क्यों नहीं, ये तो मूर्खता होगी।
हम उनकी जिंदगी का इसके का सिंपल बनाए कि वो तो जी टमाटर की चटनी बना के खाते हैं मैगी जो तीन तीन महीने चार चार महीने पुरानी होती है, हम भी वो मैगी खाएं। जिस देश में रोज टमाटर मिलता हो, सवेरे शाम मिलता हो, ताजा बना के हम तीन बार खाएं, हम फिर मैगी की बोतल खरीद कर लाए तो भी मूर्खता होगी। हम जिस देश में सैकड़ों किस्म की रोटियां बना सकते हैं, उस देश के घरों में पाव रोटी और डबल रोटी आने लगे तो ये महामूर्खता होगी। हमें जरूरत नहीं, हम योगर्ट खाने लगे और आइसक्रीम खाने लगे, वो तो बेचारे गरीब लोग हैं कि उनके पास आइसक्रीम और योगर्ट के अलावा कोई स्वीट डिश है ही नहीं। ले लेके तीसरी एक है वो केक। यहां तो हिंदुस्तान में चले जाइए, 64 तरह की मिठाइयां हर शहर में बनती। ये मुझे एक दिन पता चला जब मथुरा वृंदावन गया तो भगवान कृष्ण को भोग लगाया जा रहा, 64 मिठाइयां हैं। मैंने लिस्ट बनाना शुरू किया, उनका दिमाग घूम गया। अकेले बेसन से मैंने देखा 23 मिठाइयां बनी हुई लगती है, काली बेसन। गाजर का एक मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा पंडित जी एक थे, उन्होंने कहा गाजर की 73 मिठाइयां बनती है यहां मथुरा में। दूध से कितनी मिठाइयां, दही और दूध के कितने कॉम्बिनेशन इस देश में। तो यहां वेराइटीज है, इतनी ज्यादा वेराइटीज है, वो हमारे फंक्शनल होने का प्रमाण है। मैं कभी कभी भारत में घूमता हूं तो परेशान हो जाता हूं। आंध्र प्रदेश में पिछले 2 साल से मैं घूम रहा हूं, आम के अचार 500 तरह के मैंने देखे हैं आंध्र प्रदेश में, 500 किस्म के आम के अचार। आम जो है ना हाईली पेरिशेबल आइटम है, आप जानते हैं, सबसे जल्दी खराब होने वाला है। इस देश की माताओं के हाथ में क्या टेक्नोलॉजी है कि उसको अचार के रूप में 20-20 साल सुरक्षित रख लेते हैं, बिना किसी प्रिजर्वेटिव, बिना किसी केमिकल। 20 साल का आम का अचार मैंने खाया और अभी भी उतना ही स्वादिष्ट है। और दुनिया के किसी देश में जाकर मैं जब बोलना शुरू करता हूं तो वो पागलों की तरह से देखते हैं कि ये क्या बकवास कर रहा है। ये रोज हमारी जिंदगी में हो रहा है, उनको ये बकवास लगती है, यहां हमारी जिंदगी ऐसे ही चलती है। तो मैं आपके ध्यान में 2 बातें लाना चाहता हूं। वो ये कि यूरोप भिन्न है, भारत भिन्न है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम ऊंचे हैं वो नीचे हैं, या वो ऊंचे हैं हम नीचे हैं। ऊंचा नीचा का प्रश्न नहीं है, भिन्नता की बात बता। हमारी भिन्नताएं और हर जगह पर है, हमारे पर्यावरण में, हमारे प्रकृति में, सूर्य के प्रकाश में, पानी के साथ, हवा के साथ, तम तापमान में, हर जगह भिन्नता है। खान पान में भिन्नता है, रहन सहन में भिन्नता है, आचरण व्यवहार में भिन्नता है, यूरोप में बिल्कुल है। और जब हर चीज में भिन्नता होगी तो चिकित्सा पद्धति में भी भिन्नता होगी, क्योंकि चिकित्सा पद्धति तो उसी में से निकली है जो हमारा नॉलेज सिस्टम है। नॉलेज सिस्टम के बाहर तो कोई चिकित्सा पद्धति नहीं आ सकती। तो हमारा नॉलेज सिस्टम एक खास तरह का है, यूरोप का दूसरे तरह का है। उनके नॉलेज सिस्टम में से कोई चिकित्सा पद्धति निकली, हमारे नॉलेज सिस्टम में से हमारी तरह की चिकित्सा पद्धति निकली। तकलीफ कहां हो गई, जब हमने उनकी चिकित्सा पद्धति को, उनके खान पान को, उनके रहन सहन को, उनके आचरण व्यवहार को अपना बनाना शुरू किया, वहीं से हमारा सत्यानाश होना शुरू हो। और ये कब से हुआ, जब से ये यूरोपियन हमारे देश में आने लगे। सबसे पहला यूरोपीय भारत में जो आया वो वास्को डी गामा 1492 में, उसके पीछे पुर्तगाली, फिर फ्रांसीसी, फिर डच लोग, फिर स्पेनिश, फिर अंग्रेज। ये आते गए, हम इनके मोह में फंसते चले। हमने उनकी एक ही चीज देखी, गोरा रंग, बाकी कुछ नहीं देखा। उस गोरे रंग के पीछे क्या क्या है वो हमें समझ में भी नहीं आया। तो हम फंस गए कि यार ये तो गोरे रंग वाले हैं, शायद ज्यादा अकल वाले हैं, ज्यादा विद्वान हैं, ज्यादा होशियार है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो ये जैसा करते हैं वैसे ही करो। तो उनकी जीवन शैली में शायद शराब सामान्य बात है, क्योंकि ना पिए तो जिंदा रहे हैं। हमने उसको अपने देश में ले लिया कि भाई वो शराब पी रहे तो हम भी पिए। उनकी जीवन शैली में कॉफी और चाय सामान्य बात है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा ठंड होगी तो ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने के लिए कॉफी पीनी ही पड़ेगी, कॉइनेट पीनी ही पड़ेगी, वाइन पीनी ही पड़ेगी, विस्की पीनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा नहीं।
एबनॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन में नॉर्मल ब्लड प्रेशर कैसे रहेगा? जरा सोचो, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो गया तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल कैसे रहेगा? क्योंकि ब्लड प्रेशर पे भी पर्यावरण और वातावरण का भी असर रहता है, तो उनको अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने के लिए कुछ खाना पीना पड़ेगा। वो शायद उनकी आहार पद्धति और चिकित्सा में आएगा, लेकिन वो जरूरी भी हमारे लिए भी हो। वो विस्की पीते हैं तो हमने भी चालू कर दिया, वो कॉन्याक पीते हमने भी शुरू कर दिया, वो चाय कॉफी पीते हमने भी पीना शुरू कर दिया। अब उनके यहाँ कुछ है नहीं तो रोटी घरों रोटी खाते हमने भी शुरू कर दिया, उनके यहाँ कुछ है नहीं तो बिस्किट खाते तो हमने भी खाना शुरू कर दिया, उनको सब कुछ सुरक्षित रखना एक हफ्ते तक तो फ्रिज ले आया हमने भी ले आया, वो कुएं में गिर रहा है तो हम और ज्यादा तेजी से उनके आते जा रहे हैं। हमारे साथ ही हो गया, पिछले 250-300 साल की अंग्रेजों की गुलामी और 200-250 साल का यूरोप के लोगों का हिंदुस्तान पर असर, इसने कुल मिलाकर ऐसा कर दिया कि हमारा दिमाग खिचड़ी हो गया। अब ये खिचड़ी पता है कैसा हो गया? ये खिचड़ी कुछ इस तरह का हो गया कि माता जी पिताजी है रामनिवास गायत्री देवी और बेटा है टिंकू, ऐसी खिचड़ी हो गई। मैं कुछ पढ़े लिखे लोगों के घर में जाता हूँ तो पिताजी का नाम रामनिवास है, माता जी का नाम गायत्री देवी है, बेटा टिंकू। अब उनको पूछो कि रामनिवास गायत्री देवी का टिंकू कहाँ से आ गया? ऐसी खिचड़ी हो गई। जिस हिंदुस्तान में एवरी डे संडे उस देश के लोगों ने टाई और थ्री पीस सूट पहनना शुरू कर दिया, ऐसी खिचड़ी हो गई। जून के महीने में भयंकर गर्मी में मैंने देखा है दूल्हे राजा टाई और थ्री पीस सूट पहन के घोड़े पर चढ़ के बैठते हैं, मूर्ख अधिपति। ये घोड़ा जो है ना सूट पहनकर बैठने के लिए नहीं है, घोड़े पर बैठने की पोशाक ही अलग होती है। जो घोड़े पर सूट पहन के बैठा जाता तो राणा प्रताप सूट बनवाते अपने ही, और शिवाजी महाराज जब भी घोड़े पर चले तो सूट पहन के ही चढ़ते, पटाई ऊपर से लगाते। हमारा सब कुछ खिचड़ी हो गया। सूट और टाई तो उनका नकल ले लिया, घोड़ा अपना ले लिया। आगे हिंदुस्तान में आगे अंग्रेज, और घर में ऐसी ऐसी विचित्रताएं दिखाई देती हैं कि कट्टर सनातन हिंदू परिवार के बच्चों का जन्मदिन मना रहे हैं, केक काट रहे, मोमबत्ती लगा रहे। अब ये केक उनके लिए मजबूरी है कि उनके पास केक के अलावा कुछ है ही नहीं काटने को, समस्या तो ये है। जिस देश में दूध से ही सैकड़ों किस्म की मिठाइयां बनती हो वहां भी लोग केक खाने लगे तो सिर्फ पीटने का दिल करता है कि कहां चले गए। हमारा खिचड़ी हो, सब कुछ खिचड़ी हो, ना दाल रही ना चावल रही, खिचड़ी हो गई। यूरोप का कुछ भारत का कुछ मिलाकर खिचड़ी हो गई। अब इस खिचड़ी में ही सब कुछ खिचड़ी होता है, रहन सहन खिचड़ी हुआ, खान पान खिचड़ी हुआ, रहन सहन तो इतना खिचड़ी हुआ है कि थोड़ा सा किसी के पास पैसा आ जाए तो सबसे पहले एयर कंडीशनर लगता है। पूछो भैया जरूरत क्या है? हिंदुस्तान में एयर को कंडीशन करने की जरूरत क्या? ये तो यूरोप वाले परेशान होते हैं, जब -40 डिग्री होगा तो एयर को कंडीशन करना ही पड़ेगा नहीं तो मर जाएंगे, इसलिए उनको सेंट्रल एसी लगाना बहुत आवश्यक है। इस हिंदुस्तान में जहां नॉर्मली एयर इतनी शुद्ध है पवित्र है, वहां एयर को कंडीशन करना तो महामूर्खता की निशानी है। अब हम एसी में सोएंगे फिर कहेंगे सिरदर्द होता है, जी होने वाला है, क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध है आपके। एसी में बैठकर सवेरे से शाम तक काम करेंगे फिर कहेंगे माइग्रेन होगा, वो तो होने ही वाला है। तो हमने अपनी पूरी जीवन शैली को, आचरण को, रहन सहन को सबको क्लब कर दिया, मिक्स कर दिया, खिचड़ी बना दिया। दाल चावल अलग अलग रहता तो बहुत अच्छा था, वो मिक्स हो गया है, अब मुश्किल यही हो रही है। तो ये हर जीवन के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। अब मैं आता हूँ आज के मुख्य विषय पर, ये जो मैंने कहा थी कि चिकित्सा में और खान पान में भी यही खिचड़ी जो आई इसने हमारा सत्यानाश कर दिया। पता है कैसा सत्यानाश किया? छोटे छोटे कुछ उदाहरण से बताता हूँ। यूरोप के किसी भी देश में मैंने आपसे कहा कि आलू और प्याज इसके अलावा कुछ होता नहीं, तो जो भी कुछ होगा बाहर से आएगा। अब बाहर से वो कच्ची सब्जी खरीदे फिर उनको अपने देश में पकाकर बेचे तो उनको टेक्नोलॉजी मालूम नहीं, तो अब उन्होंने क्या किया है दूसरे देशों से सीधे सब्जी बनवाकर खरीदते।
तो वो सब्जी अगर वो खरीदेंगे तो नमक मिला दिया अगर आपने सब्जी बनाते समय तो वो तो दो तीन दिन से ज्यादा कितने वाली थी। नमक जो है ना सब्जी में अगर पड़ गया तो ये सब्जी को टिकने नहीं देगा, ज्यादा से ज्यादा दो दिन कितने भी अच्छे से अच्छे फ्रीजर में रखो, तीन दिन बाद तो होने वाली है खराब। तो ये यूरोप और अमेरिका वाले बेचारे क्या करते हैं, जिन देशों से ये बनी बनाई सब्जियां खरीदते हैं, जैसे भारत से खरीदते हैं, अफ्रीका से खरीदते हैं, लैटिन अमेरिका से खरीदते हैं, तो हमारे यहाँ की जो कंपनियां उनको सब्जी बेचती है ना, उनमें से मेरा दोस्त भी है मुंबई में, वो ये काम करता है, तो उसको इंस्ट्रक्शन आते कि भाई सब्जी डिब्बे में पैक करना तो नमक नहीं मिला, क्योंकि आप मिलाएंगे तो हमारे लिए खराब हो जाएंगे। तो उनको यहां से सब्जी आती है बिना नमक के डिब्बा भरे। अब वो सब्जी जब खाएंगे अपनी प्लेट पर परोसेंगे तब उसमें अलग से नमक मिलाएंगे, ये तो होगा। तो उनकी सब्जी अगर वो खाएंगे तो बाहर से नमक मिलाएंगे, हम हमारी सब्जी पकाते समय ही नमक मिलाते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सब्जी को बनाते समय, दाल को पकाते समय जो नमक आपने उसमें डाला है और बनी बनाई सब्जी के बाद में अलग से नमक डाला है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और इतना ही अंतर है कि एक तरफ आप देशी गाय का घी खाएं और दूसरी तरफ डालडा खाएं। आप जानते हैं नमक जो है मसाला नहीं है, मेडिसिन है, औषधि है, और नमक में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और एक नहीं है 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है नमक में। सोडियम है उसमें, कैल्शियम है उसमें, पोटेशियम है, शरीर को जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है रोज वो नमक में है। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है सूक्ष्म पोषक तत्व, तो जब आप सब्जी को बनाते समय नमक उसमें डालेंगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भरपूर पोषकता आपको मिलेगी, और जो बाहर से नमक डालकर खाएंगे तो वो सीधे ब्लड प्रेशर ही बढ़ाएगा और कुछ नहीं करने वाला। ये बाहर से डाला हुआ नमक सब्जी या दाल में कभी भी खाए तो सीधे ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो पोषकता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलने वाली। हम जो नमक पकाते समय डालेंगे उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त होंगे। तो हम हिंदुस्तानी हजारों लाखों साल से यही करते थे। मैंने मेरे बचपन में मेरी माँ को देखा, मेरी दादी माँ को देखा, खाना बनाते समय हमारे सब्जी और दाल बनाते समय ही नमक डालती थी। हम अगर बाहर से नमक डालते थे तो डालती थी दादी, तेरा दिमाग खराब हो गया, समझता नहीं है कुछ, विज्ञान पढ़ता है थोड़ी भी विज्ञान नहीं समझती, ये बाहर से नमक नहीं डाला जाता। अब दादी को मैं एक्सप्लेनेशन पूछता तो वो बता नहीं पाती, क्योंकि कोई पीएचडी तो किया नहीं उसने, यूनिवर्सिटी तो गई थी, लेकिन उसको इतनी फंक्शनल नॉलेज जरूर थी कि नमक बाहर से नहीं डाला जाता। तो मैंने ध्यान देना शुरू किया कि भारत के जितने भी मंदिर हैं जहां पर प्रसाद बनता है भगवान के लिए, वहां निषिद्ध है नमक बाहर से डालना। मैं एक बार पुरी के मंदिर में गया, पुरी साहब, मुझे प्रसाद चढ़ाना था। आप जानते हैं पुरी के मंदिर में दाल और चावल का प्रसाद चढ़ता है, दाल बनाते हैं हांडी में, चावल बनाते हैं हांडी में, दोनों को साथ ले जाकर भगवान को प्रसाद देते हैं। तो हुआ क्या कि उसने दाल बना के चावल बना के दिया तो दाल बनाते ही समय नमक डाल दिया। मैंने कहा भाई मैं नमक अलग से लेता हूं, उसने कहा पागल हो गए, भगवान को नहीं चढ़ाया जाता, बाहर से नमक डालकर दाल भगवान को नहीं चढ़ती, अपवित्र हो जाती है। तब मैंने सोचना शुरू किया कि ये पंडित भी कितना ज्ञानवान है। उसने कोई एमबीबीएस और एमडी का कोर्स नहीं किया है, लेकिन उसको मालूम है कि बाहर से नमक नहीं डाला जाता, भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि भक्तों को नहीं खिलाया जाता तो भगवान को कैसे खिला। अब ये ज्ञान हमारे यहां है, यूरोप में नहीं। यूरोप में किसी भी घर में चले जाइए, कोई भी होटल में चले जाइए, खाना जब आपके पास आएगा तो अलग से नमक की शीशी साथ में आएगी, या तो मेज पर ही रखी रहेगी, उसमें से आप नमक डाल लीजिए। और ये बाहर से नमक डालने वाले 100% हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होंगे ही, दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। तो उनका हाई ब्लड प्रेशर आया, इस पद्धति से हमने बुला लिया अपने आप, हमारे घरों में भी अब ये नमक की शीशी रख गई है डाइनिंग टेबल पर, क्योंकि नकल करने में तो हम उनसे पीछे नहीं है। कभी अकल लगा के सोचा नहीं कि जिस देश के दाल और सब्जी में पहले से ही नमक डलता है वहां डाइनिंग टेबल पे क्यों रखना। तो हमने रखना शुरू कर दिया, इसे डालना शुरू कर दिया, और वो डालते डालते आदत में आ गया। अब हिंदुस्तान में 5.5 से 6 करोड़ मरीज हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, क्योंकि नकल किया हूं।
ऐसे बीमारी आती है, ऐसे हमारा संतुलन जाता है। और ये संतुलन गया हमारा, इस संतुलन के चले जाने से ब्लड प्रेशर के हम मरीज हो गए। अब ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए तो वो भी होगा, हाई भी होगा, उसको क्या करेंगे आप? अब हाई हो गया, लो हो गया, जो भी हो गया, अब हमने उसके इलाज के लिए सोचना शुरू किया तो अपना दिमाग अपने रूप में तो जाता नहीं, अपनी जड़ों में तो जाता नहीं। उन्होंने कुछ योजना बनाई है हाई ब्लड प्रेशर की या लो ब्लड प्रेशर की, वो खाना शुरू कर अंधाधुंध। और अब हम कहेंगे भाई क्या करें, गोली तो खानी ही पड़ेगी, गोली तो खानी पड़ेगी, क्या करें? जरा अकल से सोचना शुरू करें कि आया क्यों ब्लड प्रेशर हमको, तो आया हमारी गलती से। अब वो गलती पर दूसरी बड़ी गलती का ऑर्डर कर रहा है, आप गए उसने 18 गोलियां रख दी, 4 सुबह खा लेना, 4 दोपहर को, 4 शाम को खा लेना, गोली ही गोली खा लेना, सब्जी वब्जी खाना बंद कर दो, गोली को सब्जी की तरह से खाना शुरू कर दो। अब वो 18 गोली लिखने वाला डॉक्टर हमारे लिए बहुत महान डॉक्टर हो गया, क्योंकि 18 गोली खिला रहा है एक साथ और ऊपर से 500 रुपए फीस भी ले रहा है। और उससे पूछो डॉक्टर गारंटी है, कहता जी कुछ गारंटी नहीं, जिंदगी भर खाओ, ऐसे बोलता है ना ब्लड प्रेशर की दवा के लिए डॉक्टर, जिंदगी भर खाओ। अगर जिंदगी भर खानी है तो ये दवा क्या हुई, ये तो भोजन हो गया। जिंदगी भर तो भोजन खाया जाता है, दवा नहीं खाई जाती, दवा तो 2-4 दिन खाई जाती है। दवा का इतना ही महत्व है कि शरीर का जो असंतुलन टूटा उसको वापस संतुलन में लाने में मदद कर दे, जिंदगी भर के लिए थोड़ी होती है। लेकिन हमने जिंदगी भर लगा दिया अपने साथ, अब जिंदगी भर हमको जो दवा खा रहे हैं वो दवा हमको क्या क्या करेगी वो आप नहीं जानते, डॉक्टर जानता है। क्या क्या करने वाली है हाई ब्लड प्रेशर की सब दवाएं क्या करती है बता दूं आपको एक छोटी सी जानकारी। हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो साधारण भाषा में बात करता हूं, विशेषज्ञ की बात नहीं करूंगा, जल्दी समझ। ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ तो डॉक्टर के पास एक ही विकल्प है कि आपके शरीर से पानी बाहर निकाल दे, दूसरे शब्दों में आपके शरीर में पानी बढ़ गया। ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ तो शरीर में पानी बढ़ गया, ये है, तो वो पानी निकलना चाहिए, तो जितनी गोली आपको खिलाई जाएगी वो पानी निकालने वाली ही होगी। तो आपने महसूस किया हाई ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते ही पेशाब बार बार आता है, जल्दी जल्दी पेशाब जाना पड़ता है, क्योंकि वो पेशाब का निकलना है जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, गोली कुछ नहीं कर रही। अब आपको ये आदत लग गई, अब इस आदत में से आपको दूसरी कोई बीमारी शुरू हो गई, मान लो डायबिटीज हो गया, मान लो अर्थराइटिस हो गया, किसी दिन किडनी डैमेज हो गई, किसी दिन लीवर डैमेज हो गया, क्योंकि एलोपैथी में जो दवाएं हैं उसको एलोपैथी के डॉक्टर खुद कहते हैं कि हमारे पास दवा कुछ नहीं है, जो भी है वो जहर है, आपके शरीर में कितनी ताकत है इस जहर को बर्दाश्त करने की, ये महत्व की बात है। बस है सब जहर हमारे पास। अमेरिका का एक बड़ा डॉक्टर है जिसके साथ पिछले 2-3 साल से मैं वार्तालाप कर रहा हूं टीवी के माध्यम से, उसका नाम है डीन ऑर्निश। वो इस बात को पूरी गंभीरता और दावे से कहता है कि एलोपैथी में कोई दवा नहीं है, जो है वो सब जहर है, गाय भी हमारी कुछ नहीं है, आपको अपने शरीर का भरोसा है कि ये जहर को झेल लिया तो जिंदा रहोगे, नहीं झेल पाए तो चले जाओगे, दवा हमारे पास कुछ नहीं। मैंने कहा दवा तो आपके ही पास होगी, मैंने भारत के पास होगी, हमारे पास तो नहीं। अब जिनके पास दवा ही नहीं है हम उनके पीछे घूम रहे हैं टॉर्च लेके कि भैया दे दो कुछ दवा, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया। उनके पीछे घूम रहे वाले एमबीबीएस पढ़े हुए, एमपी पढ़े हुए, जो यूरोप का ज्ञान है और यूरोप का विज्ञान है उसको पढ़कर तैयार हुए डॉक्टर, जिनको पढ़ाया गया है एक खास तरह के वातावरण और पर्यावरण के विज्ञान के लिए। आप जान लीजिए यूरोप और अमेरिका में विकसित हुआ विज्ञान है एमबीबीएस एमडीएमएस, और ये अपने पर्यावरण और वातावरण का ध्यान रखते हुए बना है, उसमें वो पढ़े हैं, और वहां की पढ़ी हुई बातें आपके ऊपर लागू कर रहे हैं, तो वहां भी खिचड़ी हो रही है, और वो ऐसी खिचड़ी हो रही है कि आप हंसे या रोए आपको समझ में नहीं आता। कोई एमबीबीएस एमडी डॉक्टर कहेगा भैया घी कभी मत खाना मर जाओगे, क्योंकि यूरोप में अगर कोई घी खाएगा तो मर ही जाएगा। जानते हैं क्यों? यूरोप में मैंने आपसे कहा 8 महीने बहुत ठंडी है, नॉर्मल टेम्परेचर बहुत कम होता है,
घी को डाइजेस्ट होने में बहुत मुश्किल आती है। भारत में नॉर्मल टेम्परेचर काफी अच्छा है, घी का डाइजेशन परफेक्ट हो सकता है, इसलिए हमें घी खाना तो बहुत जरूरी है। उनके लिए घी जहर है, हमारे लिए अमृत है। अब हम उनकी नकल में फंस गए और ऐसे फंस गए कि हर एक को डरा रहा है डॉक्टर, अगर घी खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। मत खाना। अपनी जो थी आराम की थी, शांति की थी। हर काम हम आराम से करते हैं और शांति से करते हैं। खाना भी खाओ तो बुजुर्ग कहते हैं धीरे धीरे खाना, बस जल्दी मत कर। तो खाना भी धीरे धीरे खाना, कहीं जाना हो तो धीरे धीरे जाना, जल्दी मत करना। कुछ करना है तो धीरे धीरे करना, जल्दी मत करना। हमारे यहाँ जल्दी किसी चीज की नहीं है और यूरोप अमेरिका में हर चीज की जल्दी है। और अगर आपने जल्दी नहीं की तो पिछड़ जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, सिस्टम ही खत्म कर देगा आपको। इस टेंशन में हर आदमी वहां जी रहा है। तो सवेरे 7 बजे फैक्ट्री में पहुंच जाता है काम पर, रात 7 बजे तक काम करता है, जाने और आने में 4 घंटे और खर्च करता है। अमेरिका और यूरोप में मैंने देखा है लोग कितने मुश्किल में जीते हैं, सोच नहीं सकते आप। सामान्य रूप से फैक्ट्री में काम करने वाले 90% लोग हैं जो नौकर की तरह से रहते हैं। अमेरिका और यूरोप में 90% नौकर है। इनको नौकरी में जाना है, फैक्ट्री 7 बजे चालू हो जाती है। जिस देश में साल में 8 महीने सूरज का निकलता हो, वहां सवेरे 7 बजे फैक्ट्री का चालू होना कितना त्रास है, जरा सोचो इसको। और 7 बजे फैक्ट्री में पहुंचना है तो 5 बजे घर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि घर और फैक्ट्री में कम से कम 100 मील की दूरी है। 5 बजे घर छोड़ना पड़ेगा, 5 बजे घर छोड़ने के लिए 4 बजे उठना ही पड़ेगा, और 4 बजे उठने के लिए कम से कम 8 बजे सोना जरूरी है। लेकिन 8 बजे कोई नहीं सो पाता वहां, क्योंकि फैक्ट्री से लौटने में ही 9 से 10 बज जाते हैं। नींद पूरी नहीं हो रही है, टेंशन में नींद ले रहे हैं, बीमार नहीं बनेंगे तो क्या होंगे, जरा सोचो। हमारे यहाँ कहा गया है अच्छा भोजन और अच्छी नींद बहुत आवश्यक है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। ना तो अच्छा भोजन मिल रहा है, ना अच्छी नींद मिल रही है, और टेंशन कितना जबरदस्त है। मैंने वहां की माताओं को देखा है, पुरुष और महिला, पति पत्नी हो या लिविंग रिलेशनशिप में हो, जैसे भी हो, दोनों को नौकरी करनी पड़ती है। अगर दोनों नौकरी नहीं करेंगे तो घर नहीं चलेगा। तो पत्नी को भी काम पे जाना 7 बजे, पति को भी काम पे जाना है 7 बजे, तो 7 बजे काम पे जाना है, रात को 9-10 बजे लौटेंगे, तो पति पत्नी नॉर्मल क्रियाओं से भी वंचित है जिंदगी में। साधारण जीवन को चलाने की जो क्रिया है ना, पति पत्नी की, उनसे भी वंचित है, क्योंकि स्ट्रेस और टेंशन इतना है, करें क्या। तो पति पत्नी अपने जीवन की साधारण क्रियाओं के लिए भी 1-1 हफ्ते 15-15 दिन इंतजार करते हैं, कोई दिन छुट्टी मिले, भरपूर नींद लें, उसके बाद कुछ करें। ये तो उनकी बेचारगी, और उससे भी बड़ी बेचारगी जब छोटे बच्चे हो जाए ना, तो और भी तकलीफ। बच्चों को घर रख नहीं सकते, दोनों को काम पे जाना है, आया घर में पाल रहे, ऐसी हैसियत 90% लोगों की नहीं है। आया को घर में रख सके किराए पर, ऐसी हैसियत 90% लोगों की नहीं है। तो क्या करते हैं, अपने बच्चे को क्रैश में छोड़ते हैं। तो मैंने वहां देखा माताओं को सवेरे 4 बजे गाड़ी चलाते हुए निकलती है, उनका छोटा सा बच्चा है, गाड़ी की जो सीट होती है ना सीट, उस पर कपड़े से उसको बांध के रखते हैं, क्योंकि घोर पर रख नहीं सकते। 3 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा, 1 महीने का बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, गाड़ी की सीट से बांधा हुआ है, स्पीड से गाड़ी दौड़ती जा रही है, उस बच्चे को क्रैश में छोड़ना है, इसका टेंशन है। क्रैश से छोड़कर फिर फैक्ट्री में पहुंचना है 7 बजे, उसका टेंशन है। शाम को 7 बजे फिर फैक्ट्री से बच्चे को लेने जाना है क्रैश में, उसका टेंशन है। रात को लाके थोड़ा दूध दूध पे लाके सुला देना, फिर सवेरे उस बच्चे को छोड़कर आना है। ऐसी जिंदगी सालों साल चले, आप सोचो पागल हो जाओगे आप तो। मैं तो देख के ही पागल हूं, मैं सोचता हूं कितना सुखी है हम लोग। हमारे घर में किसी 2-3 महीने का बच्चा है तो ऐसा टेंशन मैंने तो किसी घर में नहीं देखा। दादी है, दादा है, नाना है, नानी है, बुआ है, फूफी है, मौसा है, मौसी है, जॉइंट फैमिली है, और जो कोई नहीं है तो पड़ोसी जिंदाबाद। हमारे यहाँ तो पड़ोसी जिंदाबाद, सारी सेवाएं मुफ्त में करने को तैयार। सामने से आके आपके बच्चे को उठा के छाती से चिपका के ले जाएगा जैसे उसी का बच्चा है।
दिन भर उसको अपने बच्चे की तरह से गले में लगाएगा, शाम को सम्मान से वापस ले जाएगा। वो कहेगा जी मुझे बहुत मजा आया आपके बच्चे के साथ खेलने में। पैसा कोई नहीं मांगेगा आपसे। अमेरिका में इतनी सर्विस अगर दे दी तो $500 मांग लेगी वो महिला के दिन, $500 मुझे। ऐसा सुख का जीवन इस देश में, अमेरिका और यूरोप में कहीं भी चले जाइए, धोबी को कपड़े देने हैं धुलने के लिए तो घर कोई नहीं आता, आपको जाना पड़ेगा। प्रेस करवानी है घर कोई नहीं आएगा, आपको लेकर आना पड़ेगा। दूध खरीदना है घर में देने कोई नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा। यहाँ जैसा कुछ घर के दरवाजे पर है और चिल्ला चिल्ला के बेचारे लेके जाते हैं, बाबू जी भाजी ले लो, सवेरे भी आएगा शाम को भी आएगा, और दो चार कड़वी बात सुना दी तो भी उसको रम नहीं है, दूसरे दिन फिर आएगा, तीसरे दिन फिर आएगा। वो कहेगा बाबू जी भले भाजी मत लो लेकिन संबंध तो बना रहने दो। धोबी भी घर आके कपड़े ले जाता है, भाजी भी घर में मिल जाती है, दूध वाला घर में दूध आके ले जाता है। और अद्भुत इस हिन्दुस्तान में है कि बाल बनाने वाला नाई घर में आके बना के चला जाता है। अमेरिका में किसी को बोले तो बोलते इट इज हाईली इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता कि नाई घर में आके आपकी दाढ़ी बना जाए। यहाँ सब कुछ अपने पास है, फिर हम पागलों की तरह से उनके पीछे लग गए। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। इसी में से बीमारियां निकल रही हैं, इसी में से स्ट्रेस आ रहा है, मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, और इसी में से परेशानियां इतनी बढ़ रही हैं। अब हम वहां तक पहुंच गए हैं कि हमने उनके जैसा अपना परिवार भी बनाना शुरू कर दिया है। यूरोप में पति पत्नी अलग रहते हैं तो हमने अपनी माता पिता से अलग रहना शुरू कर दिया है, थोड़े दिन में वहां भी अलग होना शुरू हो जाए। पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, अब इस देश में ज्वाइंट फैमिलीज देखने को नहीं मिलती है। यूनिवर्सल फैमिली, सिंगल फैमिली, और सिंगल फैमिली वाले इतने परेशान है अपने बच्चों को बड़ा करने में, दादा नानी का प्रेम नहीं, नाना नानी का प्रेम नहीं, मौसा मौसी फूफा फूफी का प्रेम नहीं, और जो दादा प्रेम से सिर पे हाथ फिराता है किसी बच्चे को, उसका जो स्पर्श का सुख है वो अमेरिका के किसी बच्चे को नहीं। आप जानते हैं अमेरिका के बच्चे स्पर्श के लिए तरसते हैं, माँ का स्पर्श नहीं, बाप का स्पर्श नहीं, दादा दादी नाना नानी का तो कोई कल्पना ही नहीं करता। और जिस बच्चे पर प्रेम से दादा दादी ने हाथ ही नहीं फेरा है तो बड़ा होके या तो माइकल जैक्सन बनेगा या तो रिवॉल्वर और बंदूक चलाने वाला बनेगा। तो ज्यादातर बच्चे वहां के वायलेंस में है, हिंसा में है और वल्गैरिटी में है, और अमेरिका और यूरोप की जेलों में 70% कैदी बच्चे हैं, बड़े नहीं है। इतनी हिंसा है उन देशों, हिंसा तो होने वाली है। जिस बच्चे को बचपन से माँ बाप का प्यार नहीं मिला, माँ की गर्म गोद का जिसको एहसास नहीं, बाप के स्पर्श का जिसको कोई अंदाजा नहीं, वो तो बड़े होकर डाकू बने, डकैत बने, चोर बने, उचक्का बने, मिर्चा लफंगा बने, ये तो बिल्कुल संभव है, असंभव कहां है। बच्चे भाई बहन की पवित्रता नहीं जानते तो भाई बहन से बलात्कार कर लेता, बहन भाई से बलात्कार करवा लेती, अमेरिका में ऐसा बहुत होता, ये तो बिल्कुल सामान्य हो गया है। अमेरिका में कई बच्चे को जेल में इसलिए बंद है कि अपनी माताओं से बलात्कार किया और हत्या कर दी। बच्चों ने आपको सुनकर हैरानी होगी, अमेरिका एक ऐसा देश है जहां दुनिया में पर कैपिटा सबसे ज्यादा पुलिस है, पर कैपिटा सबसे ज्यादा पुलिस है। वहां हमारे भारत में 10,000 लोगों पर एक पुलिस है, 10,000 हिंदुस्तानियों पर एक पुलिस है, अमेरिका में हर 100 व्यक्ति पर एक पुलिस। तो इसका माने भारत से कई गुना ज्यादा पुलिस है, फिर भी अमेरिका में दुनिया में सबसे ज्यादा क्राइम है, सबसे ज्यादा वायलेंस है। एक मिनट में सबसे ज्यादा बलात्कार दुनिया में अमेरिका में ही होते हैं, एक मिनट में सबसे ज्यादा छेड़खानी की घटना अमेरिका में होती है, एक मिनट में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक भी अमेरिका में ही आते हैं, और सबसे ज्यादा बीमार लोगों का समाज वही अमेरिका है। अमेरिका की सड़कें बहुत चिकनी है, आपको मालूम है, इतनी चिकनी है कि सड़क पर गाड़ी चले तो पता नहीं चलता हम सड़क पर चल रहे हैं या हवा में उड़ रहे हैं। फिर भी सबसे ज्यादा पीठ दर्द के मरीज अमेरिका में ही पर कैपिटा, इतनी चिकनी सड़क पर गाड़ियां ही गाड़ियां दौड़ती हैं, फिर पीठ का दर्द क्यों होता है। हम हिंदुस्तानियों के देश में होना तो संभव है क्योंकि यहां सड़क ही नहीं है, खड्डे ही खड्डे हैं,
सड़क के बीच में खड्डे, खड्डे के बीच में सड़क, बार बार गाड़ी ऊपर नीचे होती है, हमको पीठ का दर्द हो तो समझ में आता है। वो इतनी चिकनी सड़क पर दौड़ने वाले फिर भी पीठ के दर्द के मरीज है। तो अब वहां के लोगों ने बोलना शुरू किया है डॉक्टरों ने कि भैया हमारे देश में 90% बीमारी साइकोसोमेटिक है। अब ये सत्य स्वीकार कर रहे हैं। साइकोसोमेटिक माने जीवन शैली में से उत्पन्न रोग। तो अब वो जीवन शैली बदले तो रोग ठीक हो, जीवन शैली बदल नहीं सकते क्योंकि पर्यावरण और प्रकृति उनकी ऐसी है नहीं, तो वो तो बेचारे अभिशप्त है इसी में डूबने के लिए और मरने के लिए। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप इसके लिए अभिशप्त नहीं है। अगर आप इस देश में रहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, बिना दवा के जीवन शैली बदल दीजिए। ये अमेरिका और यूरोप वाली जो जीवन शैली है हमारी, सवेरे से लेकर शाम तक इसको बदल दीजिए, भारतीयता वाली जीवन शैली में आ जाइए, आपकी 90% बीमारियां ऐसे ही चली जाएंगी। और 10% बीमारियां आपकी जो आप भारतीयता के इन मूल्यों को स्वीकार कर लें कि जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं है, अगर अपने लिए है तो वो पशुओं का जीवन है, परमार्थ के लिए यह जीवन है, तो बाकी 10% लोग इसी में से निकल जाएंगे। तो आप बोलेंगे हमें क्या करना है, सवेरे से शाम तक आप एक लिस्ट बनाइए अपनी जिंदगी में और देखिए कि कहां कहां आप भारतीय हैं और कहां यूरोपीय। जहां जहां आप यूरोपीय हैं उसको बदल के भारतीय हो जाइए, आप ही को दें, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो कहां से शुरू करें, सवेरे सोकर उठने से शुरू करें। सोकर जब आप उठते हैं तो भारतीय हैं या यूरोपीय हैं देखिए। अगर आप सूर्योदय के पहले उठ रहे हैं तो आप भारतीय हैं, सूर्य निकलने के बाद उठे तो आप भारतीय नहीं हैं। तो उठना समय जल्दी कर दीजिए, यहां से शुरू हो जाएगा। जल्दी सुबह उठ जाइए, सूर्य निकलने से पहले तो जरूर उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त इस देश में सबसे अच्छा माना जाता है, जो सुबह 3:30-4 बजे शुरू हो जाता है। 3:30-4 पर नहीं उठ सकते तो सूर्य निकलने से 10-15 मिनट पहले उठ जाइए, इतना तो कर सकते। और उसमें उठने के बाद आपका जो आसन है, प्राणायाम है, योग है, ध्यान है, समाधि है, जो करना है सब करिए, क्योंकि सुबह से अच्छा कोई समय नहीं। ये भारत के शास्त्रों में ऋषियों ने मुनियों ने हजारों लाखों साल के परीक्षण के बाद लिखा कि सुबह से अच्छा कोई समय नहीं है। तो सुबह के समय में सब अच्छे काम करिए, जितने अच्छे से अच्छे, योग करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, समाधि में जाना है, जो करना है वो सुबह करिए। और ये सब करने के बाद अपना जीवन शुरू करिए, यहां से शुरू करिए। फिर आगे बढ़े थोड़ा, आप नाश्ता करने के लिए है तैयार हो रहे हैं, स्नान सुबह कर लीजिए, क्योंकि भारतीय आयुर्वेद शास्त्र में सुबह का समय ही स्नान के लिए सर्वोत्तम है। तो स्नान सुबह कर लीजिए और स्नान के लिए ध्यान रखिए। भागवत ऋषि का एक सूत्र है, भागवत बहुत महान व्यक्ति हुए, हम शायद कम लोग जानते हैं उनके बारे में क्योंकि प्रचार कम हुआ उनके बारे में। चरक और एक उन्हीं की कैटेगरी के थे भागवत। आयुर्वेद में 3 महान ऋषि माने जाते हैं, चरक, सुश्रुत और भागवत। वैसे तो और भी हुए, भाव प्रकाश थे, निघंटु थे, आदि बहुत थे, लेकिन इनको सर्वोत्तम माना जाता है। जैसे हम देवी देवताओं मानते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, वैसे यह है चरक, सुश्रुत और भागवत। भागवत का सूत्र है, संस्कृत में है, मैं लंबा नहीं करना चाहता, सीधे शॉर्ट में बताता हूं कि स्नान करना है तो सुबह ही करिए और ठंडे पानी से करिए, गर्म पानी से कभी भी मत नहाइए। और चरण ने सॉरी भागवत ने यह कहा है कि ठंडे पानी से स्नान इसलिए करना है कि हमारी जो प्रकृति है और पर्यावरण वातावरण है वो गर्म पानी के अनुकूल नहीं है नहाने का। गर्म पानी से नहाना सिर्फ उनके लिए है जो कोई गंभीर और बीमार है, रोग से पीड़ित, बहुत गंभीर कोई रोग है आपको तो गर्म पानी से नहाने की छूट है, अन्यथा अगर आप स्वस्थ हैं और जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ठंडे पानी से नहाइए। और जैसे आप ठंडे पानी से नहाएंगे तो शरीर खुद उसको बैलेंस कर लेता है, शरीर में जैसे ही ठंडक आएगी ना उसको गर्म करने के लिए शरीर में हाइपोथैलेमस अपने आप सक्रिय हो जाता है और उसकी क्रिया अपने आप आपको थोड़ी देर में नॉर्मल कर देगी, बैलेंस कर देगी। गंगा जी में नहाते हैं गर्म पानी से, अभी कुंभ चल रहा है ना इलाहाबाद में, सब ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं और सुना है कि वो सब बीमार हो जाते हैं।
जो इन लोग नहाने जाते हैं सब बुखार लेके आते हैं। मैंने तो ये सुना कि बुखार लेके गए और तुम तो नहा के लौटे तो ठीक हो गए। एक स्वामी शिवानंद थे, अब जीवित नहीं है, योग के बहुत महान मैंने विद्वान व्यक्ति थे, उनका आश्रम, उनके यहां मेरे पिताजी जाया करते, मेरी माताजी पिताजी उनको अपना गुरु मानते हैं। तो मेरे पिताजी माताजी ने बताया कि स्वामी जी के यहां बहुत बार ऐसे लोग आते थे जिनको बुखार आ रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा, तो स्वामी जी कहते थे जाओ फिर गंगा में डुबकी लगा के आओ। तो बेचारे परेशान होता थे, तुम गंगा और वो भी ऋषिकेश की गंगा, यहां भी नहीं कानपुर नामक की गंगा, ऋषिकेश की गंगा, पानी डालो तो सुन हो जाता है। तो स्वामी जी कहते थे डुबकी लगा के आओ, एक नहीं तीन लगा के आना। और मेरे माता पिता बताते हैं कि जिनको भी भेजा गंगा में डुबकी लगाने, लौट के आए तो बुखार नहीं, सर्दी नहीं, जुकाम नहीं। तो स्वामी जी ने पूछते स्वामी जी ये क्या चमत्कार है, तो स्वामी जी कहते कुछ चमत्कार नहीं है, ये गंगा का पानी उतना ही वैज्ञानिक है जितना कि विज्ञान में कोई दूसरा सत्य, ये शरीर को अपना ही बैलेंस बना लेता। तो यहां ठंडे पानी से नहाने का रिवाज है, इसलिए गंगा में डुबकी लगाना है, त्रिवेणी में डुबकी लगाना है। अगर वो ठंडे पानी से नहीं नहाना होता तो कोई आयुर्वेद चिकित्सक ये नहीं बोलता आपको कि गंगा में नहाओ, वो कहते घर में नहाओ, गंगा का पानी ले आओ, गर्म करो फिर नहाओ। नहाना ठंडे पानी से ही, पीना गर्म पानी, नहाना ठंडे पानी से। भारत का जो नियम है वो ठंडे से नहाना गर्म पानी पीना, यूरोप में उल्टा है, ठंडा पानी पीना गर्म से नहाना। आपको मालूम है यूरोप और अमेरिका में सब लोग ठंडा पानी पीते, इतना ठंडा पानी होता है कि फ्रिज में रखेंगे ऊपर से बर्फ डालेंगे चिल्ड वाटर फिर पिएंगे। फिर मैंने उसका परिणाम भी देखा, यूरोप में जितने लोग फ्रिज का चिल्ड वाटर पीते हैं सवेरे संडास घर में जब जाएंगे तो एक एक घंटे बाहर ही नहीं आएंगे, अंदर ही बैठे रहते। पूछो भैया एक घंटे क्या कर रहे थे टॉयलेट रूम में, तो कहते न्यूज पेपर पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे न्यूज पेपर, पेट साफ नहीं होता, संडास नहीं उतरते, खूब जोर लगाते फिर भी नहीं उतरते। बेचारे कभी कभी गाना भी गाते हैं मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, फिर भी नहीं आती। और कुछ लोग तो इतने त्रस्त होते हैं कि कपोल पे बैठते कहते एक बार आज 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 वो एक बार भी नहीं आती। मैक्सिमम यूरोप और अमेरिका के लोगों को मैंने देखा उसमें कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत है, और इतनी कब्जियत है कि दो दो दिन पेट साफ नहीं होता, तीन तीन दिन नहीं होता, और उसका कारण है चिल्ड वाटर, एकदम ठंडा पानी पीते, बर्फ डाला फ्रिज में रखा हुआ। भारत में इसका उल्टा है, पानी पीने को हल्का गर्म और नहाने को ठंडा। तो सवेरे उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, फिर उसके बाद पीजिए पानी, तो पानी हल्का गुनगुना करके पीजिए, और पानी नहाने के लिए तो ठंडा रखिए, पीने के लिए हमेशा गुनगुना रखिए। फिर आगे चले नाश्ते की बात आती है, तो अपने भारत देश में और यूरोप में थोड़ा अंतर है। मैंने आपसे फिर कहा कि वहां का पर्यावरण हमारे से बिल्कुल अलग है, यहां जो नाश्ता करना है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, हैवी भारत में, क्योंकि यहां जो अग्नि है ना पेट की जठराग्नि, इसका संबंध सूर्य के साथ, तो सूर्य जैसे ही सूर्य होता है अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, तो उस समय आप जितना ज्यादा खाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा। तो आपको एक सरल सूत्र का समझाता हूं याद रखने के लिए कि सुबह का नाश्ता राजा की तरह से करिए, भरपेट करिए, जितना खा सकते हैं सुबह खा लीजिए, और दोपहर का खाना उससे कुछ कम करिए, और शाम का बिल्कुल कम करिए। सुबह का खाना राजा की तरह से खाइए, दोपहर का साधारण नागरिक की तरह से, रात का भिखारी की तरह से खाइए, रात को कम से कम, दोपहर को मीडियम, और सुबह सबसे ज्यादा, माने आपका ब्रेकफास्ट हैवीएस्ट, लंच मीडियम और डिनर लाइट, ये परंपरा है भारत, क्योंकि प्रकृति और पर्यावरण सूर्य से हमारा जगत का संबंध है। सूर्य जब तक है खाना अच्छा पचेगा, जब सूर्य नहीं है शाम को तो खाना कम खाइए या बिल्कुल मत खाइए, तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा और आगे चले, खाना खाए तो भारत की पद्धति और परंपरा से खाइए, जमीन पर बैठकर,
आसन की स्थिति में जो सुख आसन है ये सबसे अच्छा आसन है। यूरोप वाले डाइनिंग टेबल पे खाते हैं क्योंकि मजबूरी है। मजबूरी उनकी क्या है कि उनके ये पैर के जो घुटने हैं और कमर ये सभी जॉइंट्स है ना ये बहुत कड़क है। कभी ठंड में रहते हैं ना। आप एक छोटा एक्सपेरिमेंट करिए। मैंने किया था एक बार, मैंने बर्फ की सिल्लियां लगा दी चारों तरफ और उसके अंदर लेट गया और थोड़ी देर के बाद हमने उठा तो सब कुछ अकड़ गया। तो मैंने कल्पना कर ली कि यूरोप वाले बेचारे चारों तरफ बर्फ से घिरे 8 महीने ऐसे ही रहते तो सब कुछ कड़क है उनका ज्वाइंट सब कड़क है। तो अगर ज्वाइंट्स कड़क होंगे तो आसानी से कोल नहीं होंगे। तो इसलिए वो या तो स्टैंडिंग पोजीशन में काम करते हैं। आप यूरोप में किसी भी फैक्ट्री में जाएंगे, अमेरिका की किसी भी फैक्ट्री में जाएंगे, वो खड़े होकर ही काम करते हैं, बैठ के कोई काम नहीं करता वहां। सब खड़े होकर काम करते हैं स्टैंडिंग पोजीशन, कर नहीं सकते बैठ के, बहुत कड़क है ज्वाइंट्स। बार बार बैठना उठना उनके लिए संभव नहीं है, तो दिन भर खड़े रहते हैं। हमारे लिए ये नहीं, हमारे ज्वाइंट्स तो बहुत ही सॉफ्ट है, हमारा सब कुछ सॉफ्ट है, स्किन भी सॉफ्ट है, ज्वाइंट्स भी सॉफ्ट है, गम्स भी सॉफ्ट है। हिंदुस्तान के हर आदमी की हड्डियां यूरोप की तुलना में बहुत सॉफ्ट है। तो हमारा सॉफ्टवेयर तो बार बार इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, तो उठना बैठना चालू रहे, तो बैठ के खाना खाना, ये आलती पालती मार के तो अच्छे से आप करें, तो जमीन पे खाना खाइए, डाइनिंग टेबल हटा दीजिए, बहुत कॉस्टली है। हाँ, दोनों हिसाब से, बीमारी के हिसाब से भी और खरीदा है आपने उसके हिसाब से। आप घर के जितने बड़े इलाके में डाइनिंग टेबल रखते हैं, ये इलाका कम से कम 20 स्क्वायर फीट तो होगा या 25 स्क्वायर फीट तो होगा। एक स्क्वायर फीट जमीन कितने की है दिलाई? 500। 25 स्क्वायर फीट, 25 में 500 बड़ा कर दो, 7,500 रुपए का खर्चा। मैंने इनकम आपने ब्लॉक की हुई है हर दिन की, घेर के रखा है उसको, इतना काम नहीं आ रही है मुझे, क्या पूछता है, हटा दीजिए इस डाइनिंग टेबल। आप लोग क्या कह रहे हैं, बेच दीजिए कमाई को, कुछ तो आप चाहिए उसके, हाथ पैर निकाल के बेच लेगा उसको, आपको तो जमीन पर बैठ के खाना है, क्या जरूरत है इस डाइनिंग टेबल। तो जमीन पर बैठ के खाना खाइए, फिर जमीन पर बैठ के ही पानी पीजिए और जमीन पर लेटिए। इस देश में ये 3 चीजों के बारे में बार बार कहा गया है, जमीन पर खाना है, जमीन पर ही पानी पीना है, जमीन पर ही सोना है, बेड पर सोना भी अच्छा है। तो धीरे धीरे हम यूरोप से भारतीयता में आना शुरू करते हैं और आप देखेंगे आपकी बीमारियां चुपचाप शरीर से विदा होना शुरू हो जाए। और इसके लिए हमारे देश में सबसे अच्छा शास्त्र कोई है, जो मैं कुछ बोल रहा हूं ना, ये मेरी अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, ये भागवत ऋषि की लिखी हुई बातें बोल रहा हूं। बस इतना ही अंतर है कि उन्होंने सब कुछ संस्कृत में कहा, मैं आपको सीधे हिंदी करके बता रहा हूं। भागवत ऋषि ने 2 किताबें लिखी है, मौका मिले जरूर पढ़िए। आपकी जिंदगी में 2 पढ़ने वाली किताबें मैं बता रहा हूं, रामायण पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं पढ़ सकते तो ये भागवत की जरूर पढ़ लीजिए। रामायण पढ़े न पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राम आपके हृदय में है। महाभारत पढ़े न पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। भागवत ऋषि की 2 किताबें जरूर पढ़िए, एक का नाम है अष्टांग हृदय और दूसरी है अष्टांग संग्रह। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह मैंने मेरी जिंदगी में सैकड़ों किताबें पढ़ी है, अलग अलग तरह की, इंजीनियरिंग की पढ़ी है, साइंस की, फिजिक्स की, बेसिक फिजिक्स की, लेकिन मेरी मान्यता है जितनी अच्छी ये 2 किताबें हैं शायद दुनिया में कोई नहीं। ये मिलती है बाजार, अष्टांग हृदय भी मिलती है, अष्टांग संग्रह भी मिलती है, भागवत इसके लेखक हैं, इनके सूत्र हैं छोटे 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 छोटे, इनका आप पालन कर लीजिए। भागवत के सूत्रों को मैं आपको बता देता हूँ, पुस्तक जब आप पढ़े तब पढ़ लेना, 10-15 सूत्र बता देता हूँ, तो आपकी जीवन शैली में से स्वस्थ कैसे हो जाए, आप निरोगी कैसे हो जाए, रोग मुक्त कैसे हो जाए, ये इसमें से समझ में आ जाए। भागवती जी कहते हैं, खाना कभी भी खाएं जमीन पर खाइए, ये तो एक बात मैंने बता दी, पानी कभी भी पिए जमीन पर बैठ के पिए, खाना खाने के लिए लोग बोलते हैं कि खाने के साथ पानी मत पीजिए, नेचुरोपैथी में भी यही सोचते हैं, खाने के कम से कम 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद पानी पीजिए, तुरंत पानी मत पीजिए। कोई बहुत इमरजेंसी हो तो उसके लिए सूत्र ये है कि एक धान्य से दूसरे धान्य के बीच में जो आप करते हैं ना ट्रांसफर, ट्रांसफॉर्मेशन, माने
आप गेहूं की रोटी खा रहे थे, ये भी एक धन है। अब आप चावल खाना शुरू कर रहे हैं, ये दूसरा धन है। तो दोनों के बीच के जंक्शन पर थोड़ा एक घूट पानी भी लीजिए, बस। जैसे रोटी खाना पूरा हुआ, अब आप चावल खाना शुरू कर रहे हैं, तो एक घूट पानी पी के फिर चावल खाना शुरू करिए। इतने की ही अनुमति है। और खाना खाना शुरू कर रहे हैं तो एक घूट पानी पी के शुरू करिए, ये एक दूसरी अनुमति है। ये बैठे के लिए टोला भर के पीना, ये बहुत खतरनाक, मत कीजिए। और इसका कारण सीधा सीधा सा ये है कि आप जो कुछ भी खाते हैं उसका पाचन होने के लिए अग्नि प्रदीप्त होती है, और अग्नि प्रदीप्त होगी और आप पानी पी लेंगे तो अग्नि शांत हो जाएगी, तो फिर खाने का पाचन नहीं होगा, तो खाना सड़ेगा, सड़ा हुआ खाना सैकड़ा भोग करा। खाना पचना चाहिए, इसके लिए आवश्यक है कि आप पानी एक डेढ़ घंटे बाद पिए। मैंने ये देखा है, जानवर जितने हैं ना प्रकृति में, ये सब बारह घंटे के चीले हैं, सब जानवर, गाय भैंस बकरी बकरा घोड़ा गधा कुत्ता, सब बारह घंटे के चीले। मैंने किसी भी जानवर को खाने के साथ पानी पीते नहीं देखा। गाय सवेरे खाना खाएगी, भरपेट पानी दोपहर को पिए, भैंस सवेरे खाना खाएगी, भरपेट पानी दोपहर को पिए, बकरी सवेरे खाएगी पानी दोपहर को पिएगी, चिड़िया पक्षी सब खाना सुबह खाएंगे भरपेट पानी सब दोपहर को पिएंगे। मनुष्य एक ऐसा मूर्ख प्राणी है जो खाने के साथ गटगट पिएगा और खाने के बाद तो मोटे पर लोटा पिएगा, बहुत खराब है। जब भैंस समझती है तो आप तो समझ जाइए। हमारे जानवरों में सबसे मूर्ख भैंस मानी जाती है, उसको भी भागवत का सूत्र समझता है, तो आप तो समझ लीजिए। आज से इस नियम को पालन करिए, और मैं आपको बहुत विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ कि आज से आप ये शुरू कर लीजिए। आज से तीसरे दिन में आपको इसके असर दिख जाएंगे। क्या असर दिखेंगे? खाने के डेढ़ घंटे बाद अगर आप पानी पी रहे डेढ़ दो घंटे बाद, सबसे पहले आपका ये एड़ी का दर्द चला जाएगा अगर है तो, सबसे पहले तीसरे दिन से। चार पांच दिन के बाद आपके ये घुटने के दर्द में कमी आ जाएगी, आठ दस दिन के बाद कमर का दर्द कम हो जाएगा, पंद्रह दिन के बाद एड़ी का दर्द और घुटने का दर्द चला ही जाए तो बहुत आश्चर्य मत करना आप। तीन चार दिन अगर आपने ये किया तो पेट में गैस बनना बंद, खट्टी लगा आना बंद, मुंह में पानी आना बंद, अच्छी नींद आएगी, ये सब तीन चार दिन में शुरू हो जाएगा, आज से शुरू कर दीजिए। मैं ये काम सालों से कर रहा हूं और इसका लाभ मुझे ये है कि कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी जाता भी हूं तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, कोई तकलीफ नहीं है आपके कहीं से, बहुत सरल है। खाने को एक डेढ़ घंटे बाद पानी पीना, ये चरक सॉरी बाल घंटे का सूत्र मेरा नहीं है। दूसरा सूत्र है वो नेचुरोपैथी में भी है और बाल घंटे में लिखा है उसको, कि पानी कभी भी पीना हो तो घूम घूम भर के पीना, घर घर गिर 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 पानी नहीं पीना। एक साथ एक लोटा पानी आपने उतार दिया, मत करिए ये काम, थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। चिड़िया कैसे पानी पीती है? एक एक ड्रॉप। कुत्ता कैसे पानी पीता है? चाक चाक के। सभी पक्षी और जानवर पानी थोड़ा थोड़ा करके ही पीते हैं, तो आप भी पानी थोड़ा थोड़ा पीजिए। जो लाभ है उसके मुंह में लार बनती है ना, ये थोड़ा पानी पीने से ज्यादा अंदर जाएगा। और वैसे तो पानी पीने का सबसे अच्छा नियम है, थोड़ा पानी मुंह में भरिए, इसको घुमाइए, फिर पीते, फिर पीछे उतरता है इसको। तो थोड़ा थोड़ा पानी पिया, सिर्फ करके पानी पिया तो लार पर्याप्त अंदर जाएगी, तो पाचन बहुत अच्छा होने वाला है। और इस लार के बारे में सभी विज्ञान वाले माने आयुर्विज्ञान वाले मानते हैं कि वात पित्त कफ तीनों को संतुलन रखने में इसकी सबसे बड़ी भूमिका है। तो ये ज्यादा अंदर जाएगी, वात पित्त कफ संतुलन रहने वाला है तो बीमार नहीं पड़ेगी, और जो बीमारी है तो ठीक होना शुरू हो जाए, सिर्फ सिर्फ करके पानी। तीसरा नियम है, पानी कभी भी पीजिए तो ठंडा मत पीजिए, मैं वो पहले ही बता चुका, हल्का गर्म पानी पीजिए। आप बोलेंगे जी गर्मी है तो भी अच्छा है, हल्का गर्म पिए, नहीं तो घड़ी का पी सकते हैं, फ्रीज और बर्फ का तो बिल्कुल। चौथा नियम है, सुबह उठे तो पानी से शुरुआत करिए अपनी दिन की। सुबह उठने पर पानी से दिन की शुरुआत करिए, चाय से नहीं, कॉफी से नहीं, बीड़ी से नहीं, सिगरेट से नहीं, तंबाकू से नहीं, पानी से शुरुआत करें। उठते ही पानी पी लीजिए, ऊषा पान कहा जाता है, तो उसे दिन को बहुत अच्छा है।
दो तीन गिलास पानी पी लीजिए, सिप सिप करके पी लीजिए, तो बड़ी आंत एकदम साफ रहेगी आप। और जब ये बड़ी आंत साफ रहती है, छोटी आंत अपने आप साफ रहेगी, तो शरीर एकदम स्वस्थ रहने वाला। आगे का एक नियम है, वो मैंने पहले बता दिया, पानी हमेशा बैठ के पीजिए, खड़े होकर मत पीजिए। खाना खाइए तो बैठ के खाइए, खड़े होकर मत खाइए। खाना खाते समय चबा चबा के खाइए, जल्दी जल्दी मत खाइए। कम से कम उतनी बार चबाइए जितने आपके दांत हैं। तो आपको 32 दांत है तो 32 बार चबाइए, 30 है तो 30 बार चबाइए, 28 है तो 28 बार चबाइए। कोई अगर दांत ही नहीं है तो ऐसा खाना खाइए जिसको चबाना ना पड़े। जैसे खिचड़ी खाइए, हलवा खाइए, बासुंदी खाइए, बासुंदी माने रबड़ी, या तो दूध पीजिए, या तो दही खाइए, या तो मट्ठा, या तो कुछ ऐसी चीजें जिसको चबाना ना पड़े। बिना दांत वाले लोग ऐसा करें, दांत है तो चबाते खाइए। और एक दो दिन आप गिरिए, चबाते समय 3-4 दिन के बाद आधे से पड़ जाएगी, अपने आप दिमाग गिरेगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़े। फिर उसके आगे का एक छोटा सा नियम है कि खाना खाते समय, ये नियम विशेष है, ये वास्तु से भी जुड़ा हुआ है, आयुर्वेद में भी ये नियम है कि भोजन करते समय आपका मुंह अगर पूर्व की दिशा में है तो सबसे अच्छा, सूर्य की दिशा में सबसे अच्छा। नहीं तो बाकी तो ठीक है, मजबूरी का तो कुछ भी होता है, अच्छा तो यही है। फिर आगे का एक छोटा सा नियम है कि दोपहर को खाना खाया तो 20 मिनट के लिए विश्रांति लीजिए वामकोक्षी। वामकोक्षी माने ये जो लेफ्ट साइड है ना, इसमें लेट जाइए 20 मिनट, और उस 20 मिनट में नींद ले लें तो बहुत ही अच्छा। रात का नियम है कि खाना खाइए तो 2 घंटे तक मत सोइए, कम से कम 3 घंटे में नहीं सोए तो और भी अच्छा। दोपहर को खाते ही विश्रांति लेना है, रात को 2-3 घंटे तक सोना नहीं। फिर एक छोटा सा नियम है, अगर कर सके सब लोग, कि खाने के तुरंत बाद थोड़ी देर अगर शाम को वज्रासन में बैठे तो बहुत अच्छा। पहले 10 मिनट बैठे लेकिन बहुत अच्छा, दोपहर को भी बैठ सकते। जो वामकोक्षी नहीं कर सकते उनको वज्रासन जरूर करना चाहिए दोपहर को। फिर आगे का एक नियम है कि आप जब भी विश्रांति लें तो सिर आपका हमेशा पूर्व में या दक्षिण में रखे, आइदर ईस्ट और साउथ, नॉर्थ और वेस्ट में सिर करके कभी मत सोए, नहीं तो नींद कभी भी अच्छी नहीं आएगी। इसका संबंध है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से, आपके ऊपर कम से कम बल लगे तो नींद अच्छी से अच्छी आती है। तो ईस्ट में ही यह संभव है और साउथ में यह संभव है, नॉर्थ में संभव नहीं है और वेस्ट में नहीं। मैं बचपन में याद करता हूं कि मैंने बहुत सारे घरों में देखा किसी की मृत्यु हुई तो तुरंत उसका सिर उत्तर में करते हैं, जीवित रहने पर उत्तर नहीं चलता, मरने के बाद ही उत्तर में किया जाता है। इसलिए उत्तर में सिर करके कभी मत सोइए। मृत्यु की दिशा माने जल्दी मृत्यु वाली, दीर्घ जीवन जीना है तो ईस्ट में और साउथ में। और एक बहुत अच्छा सूत्र है भागवत का, संस्कृत में है, सीधे हिंदी बताता हूं। भागवत जी कहते हैं कि ऐसे भोजन को कभी मत खाइए जिस पर सूर्य के प्रकाश का और पवन का स्पर्श ना हुआ हो। सूर्य का प्रकाश, पवन का स्पर्श जिस भोजन को नहीं हुआ वो कभी मत खाइए। भागवत ने ये बात हजारों साल पहले कही और आज की शताब्दी में ये बिल्कुल सटीक दिखाई देती है। सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ ऐसा एक ही भोजन होता है जो फ्रिज में रखा हो, है कि नहीं? फ्रिज में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, फ्रिज में पवन भी नहीं घुस सकती। ये भोजन मत खाइए, खतरनाक। ये बार बार ने हजारों साल पहले कहा था, तो फ्रिज नहीं था, लेकिन शायद उनको ये अंदाजा रहा होगा कि एक दिन ये दुनिया मूर्खता करेगी और ऐसा कुछ इन्हें बताएगी नसीब जो लोगों को बीमार करेगा। इसलिए उन्होंने बोला है कि सूर्य प्रकाश और पवन स्पर्श जिसको नहीं हुआ ऐसा भोजन मत करिए, माने फ्रिज का खाना मत खाइए, ताजा ताजा बनाया हुआ खाना खाइए। फ्रिज मैंने बताया यूरोप के लिए मजबूरी है, हमारे लिए स्टेटस सिंबल नहीं हो सकता। हम ताजा खाना बनाते, रोज सुबह खाते हैं तो शाम को भी खाते, और खाने का तो नियम यह है कि 1 घंटे के अंदर बना के खा लेना बहुत अच्छा है। खाना बनाया और 1 घंटे में खाई लेना ही सबसे अच्छा है। फ्रिज में रख के शाम को खाना, फिर शाम का जब अगले दिन खाना, फिर सुबह का दूसरे शाम को खाना, ये महामूर्खता है। ये आप खुद बीमारी की तरफ जाना चाहते हैं।
ऐसे ऐसे बालकों के ऋषि को 2000 दिया, मैंने आपको 10-12 बताए, 2000 में बता सकता हूं लेकिन उसमें बहुत समय जाएगा, आपके पास भी नहीं है मेरे पास भी नहीं। तो ये 10-12 नियम मैंने बता के आपको कहा कि आप इससे शुरू करिए, अगर आपको मजा आए तो आगे 2000 नियम बताने आऊंगा, इसका मैं आपको विश्वास दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको जैसे राम कथा होती है ना, ऐसे स्वास्थ्य कथा करानी पड़ेगी। मैंने एक बार ये बोला है बहुत पहले स्वास्थ्य कथा में, उसमें 40 घंटे लगते हैं तब 2000 सूत्र समझ में आते, तो 40 घंटे कब हो गए, रोज 3 घंटे सुनो तो 11 दिन चाहिए, 12 दिन चाहिए, 13 दिन चाहिए, तो इतने दिन में राम कथा होती है। तो कभी आप तय करो भिलाई वाले कि हम स्वास्थ्य कथा कहेंगे, राम कथा बहुत हो गई, कृष्ण कथा भी हो गई, कोई राम नहीं हो रहा है, कोई कृष्ण भी नहीं। सालों साल से हम सुन रहे हैं राम की कथा, सालों साल से सुन रहे हैं कृष्ण की कथा, एक राम नहीं निकलता, एक कृष्ण नहीं निकलता, रावण और कंसों की संख्या बढ़ती जा रही है, रावण बहुत हो रहे हैं, कंस बहुत हो। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि भाई स्वास्थ्य कथा कहना शुरू कर, तो कम से कम हम अपने लिए तो कुछ कर पाएंगे, अपना जीवन सुखी बनाएंगे, अपना जीवन निरोगी बनाएंगे, और शायद इसकी जरूरत है देश को, इसलिए रामदेव जी ने कहना शुरू किया स्वास्थ्य कथा ही तो है। और लोग सवेरे सवेरे 4 बजे सब छोड़ छाड़ कर पहुंच जाते हैं स्वामी जी के पास, और स्वामी जी बोले पैर ऊपर कर लो तो ऊपर, सिर नीचे कर लो तो नीचे, 100 करोड़ रुपए का मालिक, 200 करोड़ रुपए का मालिक स्वामी जी के कहने पर सिर नीचे कर रहा है, पांव ऊपर कर रहा है, स्वामी जी कहते हैं रोटियां कैसे करते, नीचे नहीं गिराना ऊपर। जो आदमी कहे 8 बजे पहले सोता नहीं उठा, वो रामदेव जी के यहाँ सवेरे 4 बजे पहुंच जाता है, घाटिया मैजिक से लगाता है, कारण क्या है, शायद उसकी जरूरत है उसको, इसलिए ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्वास्थ्य कथा आज कही जाए इस देश में तो शायद ज्यादा इसमें से अच्छे परिणाम निकलेंगे, कम से कम एक परिणाम तो अच्छा निकलेगा, सब निरोगी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, तो उनका लाखों करोड़ों का खर्चा बचेगा और देश की उत्पादकता बढ़ेगी और समाज थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो आपको ये विषय में अगर रुचि हो तो कभी दोबारा आप रख सकते हैं, लेकिन आज तक में लगातार 4-4 घंटे मैं बात करूंगा, उसमें मैंने स्लाइड्स प्रोजेक्शन बनाए हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर से बड़ी स्क्रीन पर मैं उसको दिखाता हूं, भागवत का सूत्र क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसका आज के समय में अर्थ क्या है, ऐसा कर। तो खैर कभी भविष्य की बात है, लेकिन आज जो 10-12 बताया ये आप ध्यान रखिए, इतने से शुरू करिए बहुत लाभ हो जाएगा। अभी आखिरी हिस्सा मेरे व्याख्यान का, कि आपके अपने घर में जो कुछ भी है वो सब औषधि है, इसका ध्यान रखिए हमेशा। भारत में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका औषधीय गुण नहीं, भारत में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका औषधीय गुण नहीं है। आप जिस घास पर पैर रख के बैठे हैं, इस घास का भी औषधीय गुण है, हर चीज का औषधीय गुण है, क्योंकि इस देश पर सूरज की बहुत मेहरबानी है, सूर्य का प्रकाश भरपूर है, इसलिए जो कुछ उगता है सूर्य के प्रकाश से कुछ ना कुछ विशेषता लिए हुए रहता है। तो अगर आप इसको समझ लें तो चिकित्सा आप खुद कर सकते हैं। वैसे आयुर्वेद में ये कहा गया है कि खान पान और पथ्य अपथ्य ये दो महत्व के हैं, औषधि तीसरे नंबर पर है। टोटल परसेंटेज में बात करें तो 12% से ज्यादा औषधि का महत्व तो नहीं है, बाकी 88% जो महत्व है वो खाने पीने का, कैसे खाना, कब खाना, कब नहीं खाना, कितना खाना, कितना नहीं खाना, किसके साथ क्या खाना, किसके साथ क्या नहीं खाना, विरुद्ध आहार की जो बात है ना, ये 88% है आयुर्वेद में, सिर्फ 12% औषधि है। अभी उल्टा हो गया, हम औषधि पे ज्यादा फंस गए, बाकी चीजें हमने गौर कर। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि औषधि को महत्व है लेकिन बहुत नहीं है, इसका ध्यान रखिए। ज्यादा महत्व है खान पान का, जो मैंने छोटी छोटी कुछ बातें आपको बताई, और क्या खाना क्या नहीं खाना, किसके साथ खाना किसके साथ नहीं खाना, विरुद्ध आहार जो है ना ये बहुत महत्व का है, दूध और दही साथ में नहीं खाना बहुत जरूरी है, घी और शहद साथ में नहीं खाना नहीं तो तकलीफ आएगी, कभी भी उड़द की दाल और दही साथ में नहीं खाना, एक दूसरे के विपरीत, जो उड़द की दाल और दही खाएं तो तैयार नहीं है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, हार्ट अटैक भी आएगा, मैंने ये एक्सपेरिमेंट खुद मेरे ऊपर किया, उड़द की दाल के वो बड़े बनाते दही बने, ये सबसे खतरनाक,
दही बड़े बनाने हो तो मूंग की दाल के बनाइए, उड़द की दाल के नहीं। उड़द की दाल दही कभी भी साथ में नहीं। आयुर्वेद ने इसको बहुत निशुद्ध बोला। मूंग की दाल दही खा सकते हैं, अरहर की दाल दही खा सकते हैं, मसूर की दाल दही भी चलता, उड़द की दाल के साथ दही बिल्कुल नहीं चलता। और ये बात मैंने एक ऐसे व्यक्ति के मुंह से सुनी जो लगभग 60 साल से आयुर्वेद चिकित्सा करते हैं, जयपुर में रहते हैं। तो मैंने विश्वास नहीं किया, तो फिर उन्होंने पढ़ा दिया मुझे शास्त्र में, तो फिर भी मुझे कम विश्वास हुआ। तो उनका चलो अभी तुम्हारे ऊपर परीक्षण करता। तो उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, नोट कर लिया, फिर उन्होंने मुझे बड़े खिला दिए, उड़द की दाल और दही के बड़े खिला दिए। खाते ही फिर ब्लड प्रेशर चेक किया, मेरा ब्लड प्रेशर हाई था, पर मुझे भरोसा हो गया। और उस दिन से मैंने सबको बोलना शुरू किया, और जो ये रोज खा रहे थे उन्होंने बंद किया, तो वो खुद महसूस करते हैं कि पहले से भी अच्छा लगता। तो उड़द की दाल दही मत खाइए, शहद मानी घी साथ में मत खाइए, दूध और दही कभी साथ में मत खाइए, खीर बनाई है तो मट्ठा मत पीजिए, मट्ठा पीजा तो खीर मत खाइए, दही खाया है तो कभी खीर मत खाइए, खीर खाइए तो ये तो सब आप समझते हो। तो विरुद्ध आहार कभी भी साथ में मत खाइए। इसी विरुद्ध आहार की आगे की एक श्रेणी है, माताओं बहनों को विशेष रूप से कह रहा हूँ, मिक्स वेजिटेबल कभी मत खाइए। एक बार में एक ही सब्जी खाइए, एक बार में एक ही सब्जी खाइए। लौकी की सब्जी है तो लौकी की ही खाइए, उसमें आलू मत मिलाइए। ये हर चीज में आलू मिलाना ये यूरोप आलू की मजबूरी है, क्योंकि उनके पास आलू के अलावा कुछ नहीं है। हर चीज में आलू 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 आप मत करिए ये धंधा। बिना आलू के सब्जियां बनती है, बहुत स्वादिष्ट बनती है। और मिक्स मत करिए सब्जियों को कभी भी, आलू और टमाटर जैसे बना दिया, या पत्ता गोभी में हमने गाजर मिला दिया, या फूल गोभी में गाजर मिला दिया, या मटर फूल गोभी और गाजर एक साथ बना दिया, ये अलग अलग करिए। एक सब्जी एक ही खाइए एक बार। और नियम इसका इतना माइक्रो लेवल का है कि आपने भोजन करना शुरू किया, आपके पास तीन सब्जियां हैं, तीनों सेपरेट है, मान लो लौकी की सब्जी है, कद्दू की सब्जी है, टमाटर की, तीनों अलग अलग है, तो पहले एक सब्जी खत्म करिए पूरी, फिर दूसरी कटोरी की सब्जी खत्म करिए पूरी, फिर तीसरी। ये नहीं एक रस्ता एक सब्जी से खाया, दूसरा दूसरी से खा लिया, तीसरा तीसरी से। ये जो गाड़ी है ना, गियर वाली नहीं है, गियर बदलता नहीं है इसमें जल्दी है। एक बार जो चल पड़ी वैसे ही चलती है। तो एक बार पूरी सब्जी खत्म करिए, फिर दूसरी खाइए, फिर तीसरी खाइए। और सलाद का भी ये नियम है कि मिक्स सलाद मत खाइए। आपको खाना है तो खीरा खाइए, भरपेट खाइए, ककड़ी खाइए, भरपेट खाइए, गाजर खानी है, भरपेट खाइए, जो खाना है भरपेट खा लीजिएगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये मिला मिला के ये ठीक, नहीं तो शरीर को बहुत तकलीफ है। तो क्या खाना है ये ध्यान रखना है, किसके साथ क्या खाना है ये भी बहुत महत्व का है, इसे भी ध्यान रखना है। कैसे खाना है थोड़ी थोड़ी कुछ बातें बता दी, और अंत में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये कि आपके रसोई में जो विषय में ध्यान देके आपको समझाना चाहता हूँ कि सब मेडिसिन आपके पास है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो औषधि नहीं है। हम उसका उपयोग करें औषधीय रूप में। तो आप बोलेंगे जी क्या क्या है। एक बार मैंने रसोई घर की सूची बनाई तो मैंने देखा कि उसमें 108 दवाएं, गरीब से गरीब घर के रसोई में भी 108 दवाएं। आपको उनका महत्व मालूम हो तो कि किसमें क्या करें। अब वैसे हम सब रसोई में मसाले इस्तेमाल करते ही हैं, वो वास्तव में सभी औषधियां हैं, उनके दूसरे स्वरूप भी हैं उपयोग करने के। वो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके रसोई में बहुत अच्छी सुंदर दवा है, उसका नाम है मेथी का दाना। मेथी का दाना बहुत ही सुंदर, बहुत अद्भुत। आपके शरीर में वात पित्त और कफ तीन असंतुलन है आयुर्वेद के हिसाब से। तो वात और कफ ये जो दो असंतुलन है, सबसे अच्छे तरीके से ठीक करने की ताकत मेथी के दाने। वात और कफ, वात के जितने असंतुलन है, जैसे घुटने दर्द कर रहे हैं, पेट दर्द कर रही है, कमर दर्द कर रही है, कंधे दर्द कर रहे हैं, सभी जॉइंट्स में आपको पेन हो रहा है, सर्दी बात हो गया है, अर्थराइटिस हो गया, रूमेटिक अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ये सब रोग मेथी दाने से ठीक होते हैं। मेथी दाने का अच्छा उपयोग करें। अगर आपको वात की तकलीफ है तो मेथी दाना जरूर लीजिए, नहीं है तो मत लीजिए।
है तो जरूर लीजिए, बात की कोई भी तकलीफ। मेथी दाना लेने के कई तरीके हैं, मेथी दाने का पाउडर बना के फंकी रूप में ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है उसको पानी में डाल दीजिए, दाने को रात भर रखा रहने दीजिए, सवेरे उठ के पानी में पी लीजिए, पीछे से दाना चबा के खा लीजिए। फिर आप देखिए कि 2 से 2.5 महीने के अंदर आपके बाद की सब तकलीफें आपको लगेगा कि खत्म हो गया, और बाद के साथ कफ, कफ के जितने भी रोग हैं उसमें भी ये बहुत अद्भुत काम करता है मेथी का दाना। कफ के रोग क्या है, आपको बहुत मोटापा हो गया, जरूरत से ज्यादा आपका वजन बढ़ गया, ये कफ की तकलीफ है, मेथी दाने से बिल्कुल ठीक हो गया। वजन अगर बढ़ा हुआ है तो 3-3.5 महीने मेथी दाना खा लीजिए, 1 चम्मच दाना 1 गिलास पानी में रात को डालिए, दाना चबा के खाइए, पीछे से पानी पी लीजिए, 3-3.5 महीने में देखेंगे आपका वजन कम होना, और 3-3.5 महीने में नॉर्मल कर देता, सामान्य रूप से जितना होना चाहिए वहां आ जाएगा बिना किसी और दूसरी तकलीफ। कफ के और बाद के और भी कई रोग है, उनमें से एक है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, डॉक्टर बोलता कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, जल्दी से ऑपरेशन करा लो, एंजियोप्लास्टी करा लो, आपकी ताकत नहीं है, पैसे नहीं ऑपरेशन कराने के, तो सीधे आप मेथी दाना खाना शुरू कर दीजिए। 3-3.5 महीने में आपका बीएचडीएल एलडीएल दोनों ठीक करेगा, एचडीएल को बढ़ा देगा, रक्त के जितने भी दूषण हैं, खून की खराबी के जितने भी रोग हैं, सब मेथी दाने में कवर होते हैं, तो बहुत अच्छी दवा है, उसको घर में रखिए। दूसरी ऐसी ही एक दवा है, पित्त के बहुत रोग बढ़े हुए हैं आपके, तो बाद और कफ का तो मैंने बता दिया, पित्त पे आ जाओ, मैं आपको एक बार ध्यान से बताना चाहता हूं, आप जरूर सुन लीजिएगा, जिनको पित्त की तकलीफ बहुत ज्यादा है वो मेथी दाना ना खाएं, नहीं तो बढ़ सकता है, पित्त की तकलीफ जिनको है वो मेथी दाना ना खाएं, तो फिर आप बोलोगे पित्त वालों को क्या, पित्त वालों को मेथी दाने के ही इक्विवेलेंट एक औषधि है त्रिफला चूर्ण, बहुत अच्छा है, अद्भुत है, करके देखिए कभी, त्रिफला चूर्ण का कर्म होता है, लगातार थोड़े दिन त्रिफला चूर्ण खाइए, अद्भुत परिणाम आपको देखे, आपको लगेगा कि आप 10 साल कम उम्र के आ गए, मेरी उम्र आपको ऐसा लगेगा कि कम हो रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है, 70 साल के आप बूढ़े हैं, आपको लगेगा जब तो मैं 60 साल का हूं, 60 साल वाले को लगेगा मैं 50 साल। और आजकल एक शब्द चल गया ना, एंटीऑक्सीडेंट, त्रिफला चूर्ण से बड़ा कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं दुनिया, कोई नहीं इससे बड़ा, तो आप ये खाइए। त्रिफला चूर्ण के खाने का नियम ये है कि आप इसको अगर गुड़ के साथ मिला के खाएंगे तो अच्छा रहेगा, अकेला खाएंगे तो शरीर में आदत पड़ जाती है, फिर तो बिना त्रिफला चूर्ण खाए अच्छा ही नहीं लगता, तो आदत मत डालिए, क्योंकि ये मेडिसिन है भोजन नहीं, ध्यान इस बात का रखना, आदत नहीं पड़ती है त्रिफला चूर्ण, जैसे बीड़ी पियो सिगरेट पियो तो आदत पड़ जाती है, ऐसी त्रिफला चूर्ण की आदत पड़ने की बहुत संभावना रहती है, तो इसकी आदत ना पड़े इसके लिए एक सावधानी रखिए कि थोड़ा गुड़ मिला के खाइए, शहद मिला के थोड़ा सा खाइए, अगर शहद है आपके पास प्योर तो त्रिफला चूर्ण में शहद मिलाइए, शहद नहीं है तो गुड़ मिलाइए, गुड़ मिला के खाइए, बहुत अद्भुत है। मैंने अभी एक ऐसे पेशेंट को ठीक किया है, भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ ये जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट ने हुए परमाणु संधि को, उस विषय पर व्याख्यान था, तो व्याख्यान खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे धीमे से पूछा, राजीव भाई मेरे शरीर में कुछ तकलीफ है। मैंने पूछा क्या, तो अंदर ले शर्ट उतारा पैंट उतारा तो मैंने देखा जगह जगह घाव थे, खून टपकता था उसमें से, कब से है उनका, बहुत समय हो गया, बहुत इलाज किया ठीक ही नहीं हो रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, तो मैंने उनसे कहा ठीक तो हो जाए, तो उनको लगा कि मैं उनको झूठ बोल रहा हूँ या ऐसे ही उन्हें बना रहा हूँ, तो उनका देखिए मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैं साइंटिस्ट हूँ, आप अगर बता दो कि ये नहीं होने वाला तो भी मुझे कोई गम नहीं। मैंने कहा मैं आपसे गंभीरता से कह रहा हूँ, विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ कि ये ठीक हो जाएगा, क्या करूँ, मैंने कहा आप सिर्फ त्रिफला चूर्ण खाओ और कुछ नहीं, शहद में मिलाते खाओ, तो 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण उन्होंने शुरू किया, 1 चम्मच शहद 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण सवेरे सवेरे चाटते थे, आज उनको करीब 6.5-7 महीना हुआ है, वो सब घाव उनके भर गए, रेडिएशन से हुए घाव भर गए, त्रिफला चूर्ण की ये ताकत है। अब मैंने त्रिफला चूर्ण पर ये जो काम हुआ ना इसको भेजा है
दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका है लैंसेट, उसमें भेजा है छपने के लिए कि त्रिफला चूहों की ये ताकत है। तो उनका चिट्ठी अगुवाई से हम आपका ये लेख छापने वाले हैं, थोड़े दिन में छपेगा, लंदन से निकलती है लैंसेट। और डॉक्टर जितने हैं दुनिया के, चिकित्सा वर्ल्ड की, जगत की, ये सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका, उसमें त्रिफला चूहों पर छपेगा कि ये असर है। रेडिएशन का कोई भी मरीज किसी भी दवा से ठीक होता नहीं है, तो त्रिफला चूह ने ठीक किया, ऐसी ताकत है त्रिफला चूह। तो आप रखिए अपने घर में, इसका उपयोग करें। ऐसे तीसरे जी, खाने वाले पानी पीना चाहिए या गर्म पानी सादा पानी? हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए, आपके मुंह का जितना टेम्परेचर है उतना गर्म पानी, ठंडा भी नहीं, बहुत गर्म भी नहीं। मुंह का टेम्परेचर आप देखोगे तो 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, उतना ही गर्म पानी पीजिए, और पानी इतना पीजिए कि वो गले के नीचे उतर जाए, ज्यादा नहीं। नहीं जी, सवेरे खाएंगे आप तो इसका असर बहुत बढ़िया है। रात को अगर आप त्रिफला खाएं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन रात में खाया हुआ त्रिफला एक ही परिणाम देता है, पेट साफ करता है। क्या वो मिलाइए ना, मेरी गारंटी के। हाँ, शुगर वाले को वो मिला के खाइए, शक्कर नहीं, वो थोड़ा सा 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण है ना, आधा चम्मच गुड़ मिला दीजिए, मानू भी मीठा रहे, जरूर खाइए, सुबह खाइए माता जी। रात को खाएंगे तो सिर्फ पेट साफ करेगा, सुबह खाएंगे तो इसके औषधीय गुण बहुत ज्यादा है। सुबह का दिन मेरा प्रश्न है कि ये जो प्रकृति है नवपित और अली, इसके कोई सिंपल सिम्टम्स क्या है? बहुत अच्छा, देखिए बाबूजी का एक प्रश्न है, वो सबका होना चाहिए। इनका प्रश्न है कि हम अपनी प्रकृति को कैसे पहचाने, हमारी वात प्रकृति है, हमारी कफ प्रकृति है, हमारी पित्त प्रकृति है, हम इसको कैसे पहचाने? तो इसके लिए सरल सरल सूत्र सिम्टम्स वाले लिख दिए हैं, उसकी एक किताब छुपा दिया है, वो किताब यहाँ है, आप ले जाइए, उसको आराम से कभी भी बैठ के ध्यान से पढ़िए और दूसरों को भी पढ़िए। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, रसोई में एक अद्भुत चीज और है आपके पास, ये किताब का नाम है स्वावलंबी चिकित्सा, उसमें सारे सिम्टम्स हैं, और एक है अहिंसक चिकित्सा, उसमें भी है। ये तीसरी एक ऐसी औषधि आपके घर में है जिसको आप जरूर इस्तेमाल करिए, मैंने उसके बहुत अच्छे परिणाम देखे हैं। चूना 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 गोपान में लगा के खाते हैं चूना, कई कई रोग में मैंने इसके परिणाम देखे, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक। मेरे पास अक्सर बहुत सारे लोग आते हैं चिकित्सा के लिए, परामर्श लेने के लिए, मैं निःशुल्क चिकित्सा करता हूँ, निःशुल्क परामर्श देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको व्यवसाय नहीं बनाया, मेरे स्वयं से सुखाए करता हूँ। तो छोटे छोटे बच्चों में बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं, बच्चे हैं लंबाई नहीं बढ़ती, हम बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं, ताकत नहीं आती, वजन नहीं बढ़ता, इनकी बुद्धि कम है, स्मरण शक्ति कम है, जल्दी भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मैं सब माताओं को एक ही बात बोलता हूँ, इन बच्चों को चूना खिलाओ, चूना कैसे खिलाए, दही में मिला के खिला दो, मट्ठे में मिला के खिला दो, कितना, एक गिलास अगर मट्ठा है तो 1 ग्राम चूना, बहुत मामूली सा, 1 ग्राम उसमें होता है। तो 1 गिलास दही का मट्ठा, 1 ग्राम चूना, दही 100 ग्राम ले लो, 1 ग्राम चूना, और सबसे अच्छा है गन्ने का रस, गन्ने के रस में मिला के पिला दो चूना, गन्ने का रस थोड़े दिन में लेगा 3-4 महीने, तो संतरे के रस में पिलाओ, मौसमी के रस में पिलाओ, अनन्नास के रस में पिलाओ, चूना पिलाओ छोटे बच्चे रोज सुबह सुबह खाली खाओ, 12 महीने चूना हमेशा मिलता है, चूना हमेशा मिलता है, चूने को पानी बना के बताते। अभी इनका प्रश्न बहुत स्पेसिफिक है, चूने को हम 2 तरीके से खा सकते हैं, आप चूना लाओ बाजार से जो पान की दुकान में मिलता है, इसको मिट्टी के घड़े में डाल दो, ऊपर से पानी डाल दो, थोड़ी देर में क्या होगा कि ये चूना नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा, तो ये जो ऊपर का पानी है ये चूने से भी ज्यादा कीमती है, पानी चूने का पानी, इसका असर चूने से भी ज्यादा आता है। तो अगर आप ये पानी पिलाते हैं तो ये सबसे अच्छा है, नहीं तो आप चूना पिला दो, कितना डालना चाहिए? हाँ, अगर आप चूना लाए हैं तो इसमें अनुपात 1:10 का रखिए, 100 ग्राम अगर चूना है तो 1 लीटर पानी डाल के छोड़ दीजिए, 100 ग्राम में 1।
150 ग्राम का केक लीटर छोड़ सकते, बहुत मैक्सिमम 200 ग्राम, तो पानी डाल के छोड़ दीजिए। थोड़ी देर में देखेंगे आप, एक दिन बाद डेढ़ दिन बाद, कि पानी अपने आप कम हो गया। तो जब पानी कम हो गया तो ऊपर थोड़ा सा पानी रह जाता, वो ले लेना एक चम्मच, और वो एक चम्मच मिला देना 100 ग्राम दही में, या एक गिलास मट्टे में, या एक गिलास रस में, गन्ने का रस, संतरे का रस में समझता है, ये पीने का। और इससे आप देखेंगे कि बच्चों को भूख खुल के लगेगी, लंबाई बढ़ने लगेगी, हड्डियां मजबूत हो जाएगी। जो आपको लगता है कि मस्तिष्क की शक्ति उनकी कम है, ब्रेन माने मति मंदता है, वो ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत अद्भुत परिणाम है। मैंने अभी एक बच्चे पर इसका परिणाम देखा है, सेरिब्रल पॉल्सी एक डिसीज है, जिसके बारे में एलोपैथी के डॉक्टर कहते हैं कि ये कभी ठीक नहीं होती। मेरे पास एक बच्चा है 8 साल का, जिसको सेरिब्रल पॉल्सी है, मैसूर का है। मैं उसको लगभग 9 महीने से चूने का पानी पिलवा रहा, उसका कम से कम 60% इम्प्रूवमेंट उसमें है। तो जो डॉक्टर बोलते थे कि ये इम्पॉसिबल है, वो खुद अभी चमत्कार मानते हैं इसको, तो वो चमत्कार मेरा नहीं है, चूने का। अभी एक और दूसरा उपयोग इसका है, अगर किसी को पीलिया हो गया आपके घर में, जॉन्डिस हो गया, तो चूने का पानी पिलाइए उसको, वो एक ही कंडीशन में, या तो मट्टे में, नहीं तो गर्मी के रस, 1 ग्राम, हाँ उतना है, 1 चम्मच या तो, या तो 1 ग्राम चूना, 1 गिलास रस गन्ने का, नहीं तो मट्ठा, मक्खे में से क्रीम निकाला हुआ हो, मक्खन निकाला हो, नहीं तो ये मन में तकलीफ आएगी। तो ये आप अगर देखे 8-10 दिन में, मैंने इसके रिजल्ट देखे, बहुत अच्छे रहे पीलिया में। इसी तरह से बहुत सारी माताएं हैं जिनकी उम्र 45-50 वर्ष के आसपास है, और उनको मेनोपॉज पीरियड शुरू हुआ, उसके जितने भी कॉम्प्लिकेशन है, उसकी सबसे अच्छी दवा यही है चूना, सबसे अच्छी दवा है। मैंने अभी इस चूने के रिजल्ट देखे हैं, शरीर में कई बार गांठ हो जाती है, गांठ ट्यूमर्स, और सभी ट्यूमर जो है ना कैंसर में नहीं होते, मैलिग्नेंसी में नहीं है, बिनाइन है। तो बिनाइन ट्यूमर कोई भी है तो चूने से गल जाता है। माताओं को जो ब्रेस्ट ट्यूमर हो जाता है ना छाती में, वो तो बहुत आसानी से ठीक हो जाता इसी चूने से। इस चूने से और क्या क्या ठीक हो जाएगा, आपके पैर की एरिया फटती है, आप चूना ले लो, एरिया ठीक कर देगा। त्वचा एकदम सूखी सूखी रहती है, चूना ले लो। मैंने अभी कुछ मरीज ऐसे देखे जिनको भयंकर एनीमिया था, हीमोग्लोबिन का मैनेजमेंट नहीं बनता, ठीक से नहीं बनता, उनको चूना दे दो, अद्भुत काम करता है। हड्डी टूट रही है और आपने प्लास्टर चढ़ा लिया है, तो हड्डी को वापस जोड़ने की ताकत इसी चूने में है, चूना दे दो। तो ये एक छोटा सा चूना 23 तरह की बीमारियों में काम आता है। तो मैं लोगों से कहता हूँ, तंबाकू नहीं चूना खाओ, सादे पानी में रख लो, पान के साथ चूना खाओ, कट्ठा मत लगाओ, पान के साथ चूना खाओ या खाली चूना खाओ, तंबाकू मत खाओ। अभी दवा है कोई कट्ठा दवा है, लेकिन सबके लिए नहीं। ये जो जर्नल है ना, जर्नल पब्लिक के लिए चूना तो है, पान तो है, कट्ठा नहीं है, कट्ठा स्पेसिफिक। थोड़ा और आगे बढ़े, आपने